हाँ जी, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। इज एम ऑडिबल एंड विजिबल? फटाफट बता दीजिए एक बार। हाँ, थोड़ी सी टेक्निकल मिस्टेक लगातार आती जा रही है, आज भी उसी का एक उदाहरण पेश हुआ है। बिल्कुल, हमारा पैनल फाइल जो है वह हमेशा 100 से ऊपर हो जाता है, और उसके बाद 100 से भी कम करने के बाद भी आज एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। सो पूरी टेक्निकल टीम आज हमारी एब्सेंट है, तो आज थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट रखिएगा मे बी, क्योंकि आज मैं पूरे स्टूडियो में नहीं, पूरे इस बिल्डिंग में अकेले आपको पढ़ाऊंगा, राइट? हाँ, सो इज एम ऑडिबल एंड विजिबल, फटाफट बता दे, आज का जो एक्ट मैं लेके आया हूँ, सही बता रहा हूँ, आज का जो एक्ट लाया हूँ ना, एकदम शानदार। हाँ, आप कह सकते हो बिंदास शानदार झक्कास, तो ये एक्ट मैं आपके लिए लेके आया हूँ जी। हाँ, सभी लोग बता दे एक बार, विजिबल हूँ मैं? चलिए, ओके, तो स्टार्ट करना है। आज हमारे जिस एक्ट का नाम है वह है आर्म्स एक्ट 1959, एंड द टीचर हु इज टीचिंग यू इज अनूप उपाध्याय, राइट? हाँ, एक्चुअली यहाँ पे कोई टेक्निकल टीम नहीं है, आज अन अकेडमी में भी छुट्टियाँ चल रही हैं, राइट? तो आज कोई हेल्प मुझे नहीं मिल पाई है, सो मैं आधे घंटे से अकेले परेशान हूँ, तो आप लोग समझे थोड़ी बातों को, अब आगे से ऐसी नहीं होगी दिक्कतें, ठीक है जी? हाँ, आज क्या है ना, कोई कॉल नहीं उठा रहा है, सभी की हॉलीडेज चल रही है, वहाँ पे भी हमारे यहाँ पे भी आज आरजीएस मेंस का एग्जाम है, सभी सुन ले, आरजीएस मेंस का आज एग्जाम है, तो पूरी टीम हमारी आज एफर्ट लगाई है उन आरजीएस के बच्चों को हेल्प करने में। कैसी हेल्प करने में? उनके पेरेंट्स को ठहरने की व्यवस्था, उनको रुकने की व्यवस्था, आज मैंने भी एक हेल्प की है, बिल्कुल। हाँ, किसी के फोटोग्राफ्स नहीं थे, उसका फोटो वोटो क्लिक करवा के उसको प्रोवाइड कराना, आधार कार्ड नहीं लाया है, बच्ची रो रही है, उसको हेल्प करना, तो सारी चीज़ें आज हमने करी है, बिल्कुल। तो थोड़ी बहुत जो दिक्कतें हुई हैं उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, आज का शानदार एक्ट की शुरुआत करते हैं, आज के शानदार एक्ट की शुरुआत करते हैं, विच इज नॉन एज द आर्म्स एक्ट 1959। हाँ, सभी लोग एक बार बता दें, परफेक्ट है, स्टार्ट करना है, थम्सअप कर दें, फिर स्टार्ट करेंगे क्लास को। हाँ, जल्दी बता दें, तो आर्म्स एक्ट की शुरुआत करने से पहले आपको थोड़ा इतिहास की भी जानकारी होनी चाहिए। हाँ, आर्म्स एक्ट क्यों चालू किया गया, क्या नीड थी, ये सारी चीजें हम यहां पर जानेंगे, बिल्कुल। तो चलिए, हाँ सर, आपके टाइम में बहुत बढ़िया किया है बच्चों के लिए, थैंक यू सर, ओके। हाँ, बच्चों के लिए बहुत बढ़िया किया है, बिल्कुल, मैंने पूरा अपना जितना भी हो सकता है एफर्ट लगाया है कि किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आए जी। हाँ, चलिए स्टार्ट करें, डन, ओके। आप लोगों से भी यही है, कोई भी स्टूडेंट कहीं पे भी मिलता है ना, उसको हेल्प करो यार। आप भी एक दिन स्टूडेंट है, कल आप भी पेरेंट्स बनेंगे, आपके पीछे स्टूडेंट्स आएंगे, तो स्टूडेंट्स की पूरी हेल्प करनी है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, द आर्म्स एक्ट 1959, इसके बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे ये लागू कब हुआ था। क्या इतना ही पढ़ने से काम चलेगा? नहीं, पहले एक वर्ड याद रख लीजिए। हाँ, आर्म्स एक्ट जो है 1959 के अंदर कितने चैप्टर्स हैं? हाँ जी, कितने चैप्टर हैं बताएंगे, कितने चैप्टर हैं? तो इसमें सेक्शंस पहले सुन लो, 46 तो सेक्शंस हैं, बिल्कुल 46 तो सेक्शंस हैं, और 46 के पीछे क्या है, 6, और यही 6 क्या है, इसके चैप्टर्स हैं जी। तो बिल्कुल 46 तो क्या है, सेक्शंस हैं, 46 धाराएं हैं, और अध्याय की बात किया जाए, अगर अध्याय की बात किया जाए तो कितने अध्याय हैं, 6 इसमें अध्याय दिए गए हैं, राइट? आर्म्स एक्ट को आयुध अधिनियम क्या कहते हैं, आयुध अधिनियम 1959 के नाम से जाना जाता है। चलिए अब इसमें एक और बात कर लेते हैं कि इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री को जान लेते हैं। इसकी हिस्ट्री क्या है जी, थोड़ा सा ये समझिए, एक मिनट की हिस्ट्री है, ज़्यादा नहीं है। इसमें क्या हुआ था मामला, हाँ इसमें मामला ये हुआ था कि पहले इंडियन आर्म्स एक्ट था, ठीक है, इंडियन आर्म्स एक्ट में ये कौन लेके आए थे, ये अंग्रेज लेके आए थे। क्यों लेके आए थे, जब अंग्रेज 1857 की जो क्रांति हुई थी, रिवॉल्यूशन हुआ था, उसमें क्या हुआ था, अंग्रेज आए थे, उन्होंने वो रिवॉल्यूशन देख के कांप गए, बोला ओए भाई ये इंडियन वाले तो बहुत खतरनाक है, ये तो हर घर में बंदूक है, अब हम लोग राज कैसे करेंगे। तो यहां पे मामला ये आया कि ब्रिटिशर्स ने सोचा अगर लंबे टाइम तक राज करना है तो पहले इन इंडियंस के हाथ में से ये हथियार हटाइए। अब हथियार को हटाया कैसे जाए, कानून लेके आ गए, कानून का नाम था हाँ इंडियन आर्म्स एक्ट। अब उस आर्म्स एक्ट के अंदर क्या मामला था, एक कानून था कि यह आर्म्स एक्ट सभी भारतीयों को, जितने इंडियंस हैं उनको हथियार आर्म्स नहीं लेने दिया जाएगा, प्रोहिबिटेड टू इंडियंस। क्या बात कर रहे हो, अच्छा किसको दिया जाएगा, ओनली जो इंग्लिश हैं, अंग्रेज हैं या एंग्लो इंडियंस हैं, उनको ही आर्म्स रखने का अधिकार था।
तो यहां पे ऐसा मामला, ऐसा कानून बनाया गया, इसके खिलाफ आवाज उठी। जैसे इसके खिलाफ आवाज उठी ना, तो मामला हो गया गड़बड़। फिर इसको अमेंडमेंट किया गया, रिपील्ड करके नया एक्ट आया, द आर्म्स एक्ट 1959, बिल्कुल। और इसको इसके दो तीन साल, दो ढाई साल बाद इसको लागू किया गया। तो अंग्रेजों की जो वो सोच थी गंदी, उसको हमने इस एक्ट के द्वारा बिल्कुल हटा दिया, रिपील्ड कर दिया, उनकी सोच को भी धराशायी कर दिया। अब बात करते हैं आगे की, इसको क्यों लाया गया, आप सभी लोग समझ गए। इस एक्ट के द्वारा हाँ, इंडियंस को ये राइट मिला कि हाँ, आप भी लाइसेंस लेके क्या रख सकते हैं, आर्म्स एंड एम्युनिशन रख सकते हैं, राइट। आगे की बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे। हाँ, सेक्शन वन, जैसा कि मैंने पहले बताया था, इसको आज देखो बहुत बहुत स्पेशल क्लास है, ध्यान से सुनिएगा। जो हमारा सेक्शन वन है, कहने का मतलब धारा एक, इसके अंदर क्या है, पहले शॉर्ट टाइटल पढ़ेंगे। शॉर्ट टाइटल क्या है जी, आयुध अधिनियम 1959, द आर्म्स एक्ट 1959। अप्लाई कहां होता है, एक्सटेंड कहां होता है, पूरे भारत में यह अप्लाई होता है जी। हाँ, अब बात करेंगे कमेंसमेंट की, ये लागू कहां हुआ था, कब हुआ था। इसका प्रारंभ 1 अक्टूबर 1962 को हुआ था, बिल्कुल, फर्स्ट डे ऑफ अक्टूबर 1962 को। तो बात पीछे की कर लेते हैं एक बार, हाँ, बात पीछे की कर लेते हैं कि यहां पे मैंने बताया जो ये इंडियन आर्म्स एक्ट था, ये 1959 तो इसका है देखिए टाइटल में, बट ये लागू कब हुआ था, 1962 के अंदर, वो भी कौन सा, 110, ठीक है, 1962 के अंदर यह लागू किया गया था, डन। अब आगे की बात करते हैं, हाँ, सेक्शन टू जब हम पढ़ेंगे, हाँ, आज की क्लास है ना, एक बात समझ लीजिएगा, आर्म्स एक्ट उसी को समझ में आएगा जिसको सेक्शन टू आ गया, जिसको सेक्शन टू समझ में नहीं आया वो धराशायी है। इंडिया के 90% टीचर्स ने इसकी ऐसी तैसी कर रखी है, तो एकदम परफेक्टली समझाऊंगा। बेयर एक्ट एनालिसिस, आज आपका सेक्शन टू का बेयर एक्ट एनालिसिस भी करूंगा, राइट, तो बेयर एक्ट के एनालिसिस के लिए भी रेडी रहिएगा। चलिए, हाँ, सेक्शन टू है डेफिनेशन पोर्शन, जिसके अंदर कहते हैं परिभाषाएं। हाँ, ये क्या परिभाषा देता है जी, पहला एक चार्ट लाया हूं, शॉर्ट में परिभाषाओं को देखते हैं। 2A के अंदर एक्वाजिशन, 2B के अंदर एम्यूनिशन, 2C के अंदर आर्म्स, ठीक है, याद रखिएगा, इन दोनों में कंफ्यूजन होता है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड के बीच में, ये फर्स्ट और थर्ड में एग्जाम में कंफ्यूजन जरूर होता है। A4 एक्वाजिशन, हाँ, इसके अंदर भी कंफ्यूजन रहता है। B4 और 2B में आपका एम्यूनिशन आ जाएगा, 2C में आपका आर्म्स आ जाएगा, आर्म्स को डिफाइंड किया गया है। 2D में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, हाँ, ई में आपका फायर आर्म। देखिए, फायर आर्म, फायर की स्पेलिंग भी कैसा है, FIRE, फायर की स्पेलिंग में भी ई आ रहा है, तो 2E हो जाएगा, याद कर लो जैसे याद हो। हाँ, EA में लाइसेंस है, F में लाइसेंसिंग अथॉरिटी, मजिस्ट्रेट आपका 2FF में अमेंडमेंट करके आया था ये। 2G में आपको प्रेस्क्राइब्ड की परिभाषा दी गई है, H में प्रोहिबिटेड एम्यूनिशन, किन किन एम्यूनिशन को प्रोहिबिट किया गया है और आर्म्स कौन कौन से प्रोहिबिट किए गए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो चीजें यहां से क्वेश्चन आता है, 2H और 2I, बिल्कुल, तो इनकी भी परिभाषाएं दी गई है। फिर बात करेंगे लास्ट टू की, पब्लिक सर्वेंट 2J में है और ट्रांसफर आपका 2K में है। हाँ सर, PDF शेयर करिएगा प्लीज, ठीक है, मैं IT एक्ट का भी PDF आपका आज शेयर करवा दूँ, आज नहीं कल शेयर करवा दूंगा, और इसका तो मैं आज ही शेयर करवा दूंगा, राइट। आई होप IT एक्ट भी हुआ, IT एक्ट का भी करा दूंगा, चलिए कल वाली क्लास का। आगे बढ़ते हैं, अब ये सारी डेफिनेशंस को आज की क्लास में एकदम पॉइंट टू पॉइंट समझना है जी। अब आगे की बात कर लेते हैं फटाफट। हाँ देखिए, हमारी जो इंडिया वाले हैं ना, हमारे जो इंडिया वाले हैं ना, बड़े खतरनाक हैं। कैसे खतरनाक है कि इंडिया से पंगा कोई जल्दी नहीं लेता है। क्यों नहीं लेता है, अरे बाप रे, ऐसे ऐसे हथियार है, मारेंगे तो पूरा देश ही तबाह हो जाएगा। अरे दिखने में छोटे लग रहे हैं, घाव करे गंभीर, समझ रहे हो, तो ऐसे ऐसे हथियार हैं कि पढ़ाते हुए भी डर लगता है कि कहीं ये चल ना जाए, तो बात समझिएगा। हाँ बिल्कुल, इंडिया जो है हमारी, हाँ इंडिया जो हमारी है, बहुत ही शानदार कंट्री है, बहुत ही मजबूत कंट्री है। अगर आपको कोई कहता है ना कि इंडिया तो डर गया है, इंडिया किसी से नहीं डरता है, क्योंकि इंडिया के पास आर्म्स एक्ट है और इंडिया के पास ऐसे ऐसे हथियार है, अभी दिखाने वाला हूँ, ऐसे ऐसे हथियार दिखाऊंगा कि आपका, हाँ आप भी सोचोगे, अरे चाइना कौन सी चीज़ है जी, चाइना और पाकिस्तान क्या कर लेगा, ऐसी चीज आपको फीलिंग कराऊंगा, बिल्कुल। तो देखिए, ये सबमरीन मिसाइल है। अब अपने को किसी से युद्ध अभी नहीं करना है, अपना ऑब्जेक्ट क्या है, ये सारी टर्मिनोलॉजी आपकी डेफिनेशन में आएगी, तो आपको पता होना चाहिए कि चीजें क्या है। मैं कहूंगा टारपीडो, इन हिंदी इट इज कॉल्ड टारपीडो, इंग्लिश में कहते हैं टॉरपीडो,
तो आपको पता होना चाहिए टॉर्पीडो क्या है, मजल क्या होता है। तो इन सब चीजों को डायग्रामेटिक वे में लाया हूं जी। हाँ, तो सबमरीन, जो सबमरीन के अंदर मिसाइल्स होती है हमारी, इस तरह की मिसाइल्स होती है, और ये देखने में तो यहां ऐसा लग रहा है, और यहां पे जो होता है ना, ये कम से कम 10 किलोमीटर दूर से भी इतना बड़ा दिखता है। समझ रहे हैं आप? बिल्कुल, ये इतना बड़ा आपका हथियार है। तो ये सबमरीन मिसाइल होता है जो बी के अंदर देखेंगे। अच्छा, थोड़ा सा 5 मिनट के लिए मैं सारा डायग्रामेटिक लाया हूं आपको दिखाने के लिए, ताकि आपको एक्ट अच्छे समझ में आए। मिसाइल इंक्लूड सबमरीन फॉर्म। अब देखो जी, ये क्या होता है ना, एकदम पानी के अंदर जा रहा है, आप ऊपर से आइएगा, नीचे से आपको ठोक दिया जाएगा। तो कैसे ठोका जाएगा? इस मिसाइल के माध्यम से। ये देखने में देखो तिरछा चल रहा है और तिरछा ही मारता है ये, तो बिल्कुल ही बहुत शानदार ये आपका एक मिसाइल है जो इंडिया में यूज होता है। तो मिसाइल ऐसा होता है जो सबमरीन के अंदर यूज होता है, और सबमरीन मिसाइल देखिए ऊपर से इस तरह का भी एक दिखता है। तो इन सब चीजों को ध्यान रखिएगा। ये देखिए स्कॉर्पियन सबमरीन होता है, लैक टॉर्पीडोज नेवी, ठीक है। तो इसके अंदर देखिएगा, ये गोला दिख रहा है ना जी, एकदम मछली की तरह है, ऐसा मारता है कि इंसान जिंदा नहीं होगा। तो ये सारी चीजें हम मारेंगे, किसको मारेंगे? चाइना वालों को मारेंगे। हाँ, बदमाशी करोगे तो मारेंगे, ठीक है। और पाकिस्तान वालों को आपके ऊपर है, कमेंट बॉक्स में बताइए मारना है कि छोड़ दिया जाए। चलो बच्चे हैं, छोड़ देते हैं आज। हाँ, अब बाकी आपकी इच्छा है, आगे चलते हैं। इनिशिएट सीक्रेट प्रोक्योरमेंट सबमरीन, ये इस एक और एक सबमरीन का टाइप आया है, इसे भी आप देख सकते हैं। अगला देखिए, हाँ बिल्कुल, ये देखिए इंडिया के रेस्पेक्ट में ही एक और सबमरीन है। तो ये सबमरीन के सारे हथियार हैं जो आपके लिए यूज होगा। अब बात करते हैं टॉर्पीडो की जी। क्या कह रहा हूं, टॉर्पीडो की बात कर लेते हैं। टॉर्पीडो क्या होता है, चलिए यहां लिख देता हूं। ये टॉर्पीडो आपका दिया गया है। टॉर्पीडो क्या होता है पहले इसको समझिएगा। टॉर्पीडो एक ऐसा आइटम है ना जी, जो बहुत ही खतरनाक और घाव करे गंभीर, मतलब देखन में ठीक लागे और घाव करे गंभीर, वही इसका भी हाल है टॉर्पीडो का। पहले टॉर्पीडो का स्ट्रक्चर समझते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखो जो टॉर्पीडो होता है वो इसका इस तरह से फॉर्म होता है, राइट। यहाँ एक्सप्लोडर दिया गया है आपका, ये वार हेड होता है आपका, यहाँ से युद्ध किया जाता है। एयर फ्लैश सेक्शन यहाँ पे दिया गया होता है। आफ्टर बॉडी, बॉडी पूरी यहाँ से यहाँ तक की जो है, इसके बाद का पार्ट आफ्टर बॉडी कहलाता है, ठीक है। और इस टॉर्पीडो की टेल, ये हथियार है जी, ये टेल आपकी ये कहलाती है, डन। हाँ, अब बात करेंगे शाफ्ट, क्रैंक शाफ्ट, जैसे वो शाफ्ट, जैसे पंख नहीं होते मछलियों के, ऐसे इसके भी पंख होते हैं। तो ये शाफ्ट है आपके लास्ट में। अब बात करते हैं इंजन, इसका इंजन, ये पॉइंट इसका इंजन का काम करता है। यहां पे इसका फ्यूल डाला जाता है और एयर फ्लैश, हाँ इन दोनों के बीच में देखिए गैप है ना, इसे ही एयर फ्लैश का काम यहां से ये करता है, ठीक है। एक्सप्लोजिव चार्ज, जितने भी विस्फोट करने हैं, किसी को मारना है, वो सारा एक्सप्लोजिव चार्ज यहां पे आता है। यहां पे ये चार्ज का मतलब समझते हो ना, हाँ आप लोग भी तो चार्ज होते हैं, एक्टिव होते हैं, खाना पीना खा के, चाय पी के। हाँ, मैं तो चाय पी के चार्ज हो जाता हूँ, आपका पता नहीं, बता दीजिएगा। अब ये सारी चीजें जो होती हैं, ये पूरा क्या निर्माण करता है, पार्ट्स ऑफ अ टाइपिकल एयर स्टीम एम्ड टॉर्पीडो। बिल्कुल, ये इस तरह का टॉर्पीडो होता है। जैसे ही यहाँ पे हथियार चार्ज किया जाता है, फिर ठोकते हैं जी, आगे बढ़ते हैं। हाँ, पूरे आर्म्स एक्ट का जो, हाँ पूरे आर्म्स एक्ट का जो एकदम परफेक्ट चीजें है ना, ओके, तो पूरे आर्म्स एक्ट की जो सबसे आज धुरंधर चीज है, हाँ हमारे यूपी में भाई एक बात बोली जाती है कि अगर गड़बड़ करोगे ना तो ठोक दिए जाओगे। तो ठोकने के लिए जो बंदूक है आपके सामने है, हाँ ठोक दिए जाओगे लीगल तरीके से, ये भी याद रख लेना, इलीगल बात कोई नहीं करेगा। हाँ, क्योंकि कोई भी गलत करता है, आज आपको पता ही होगा पिछली बार में 650 लोगों को पूरा सरेंडर नहीं किया था, 650 लोगों का एनकाउंटर हुआ था। तो इसको समझना बहुत जरूरी है, आर्म्स एक्ट को यूपी के लिए, एमपी के लिए, और आपके ये पंजाब के लिए, हाँ जम्मू एंड कश्मीर के लिए, वहां पे, और मुंबई में आपके महाराष्ट्र में, ठीक है, और हमारे राजस्थान को कैसे भूल सकते हैं, उनके लिए इसके एक्ट के जो एडवोकेट्स के पास केसेस आते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में भी आते हैं। ओके, आप भी चाय से चार्ज होते हैं, बिल्कुल, वेरी गुड। चलिए, तो ये बताना चाहता हूं कि एडवोकेट्स के लिए यह एक्ट कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आपने आर्म्स एक्ट का एकदम एक एक कोना छान मारा है, तो आपको मैं फिर से बता रहा हूं, आप एक क्रिमिनल लॉयर के फील्ड में एक आप अपनी एक अलग भूमिका निभाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसके बारे में समझते हैं। देखिए बंदूक को पकड़ते कहां से है, यहां से देखिए पंजा लगाते हैं,
है ना, ऐसा पकड़ते हैं बंदूक को, फिर ऐसे करके ठोक देते हैं। हाँ, ठोकूंगा नहीं आपको मैं, जो रॉन्ग आंसर देगा उसी को इसी बंदूक से ठोकूंगा। हाँ, किसी को चोट भी नहीं लगेगी, डिजिटल है। अब देखिए इसकी बातें करते हैं, ये इसका फ्रंट साइड कहलाता है बंदूक का। फ्रंट साइड मतलब ये चीज इसकी फ्रंट साइड होती है, ठीक है, क्योंकि कभी भी किसी को निशाना लगाना होता है ना, तो यही उसकी नजर होती है इस पे, ये फ्रंट साइड से नजर लेके निशाना लगाता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये जो पॉइंट होता है इसका यहां से लेके यहां तक का, ये कहलाता है मजल। क्या कहलाता है जी? मजल। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि मजल क्या है, जो ये इसकी नाल की, इसको नाल कहते हैं, यहां से लेके यहां तक की लंबाई को नाल कहते हैं, इस नाल की लंबाई कितनी होनी चाहिए, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, राइट। तो ये पूरा मजल से लेके यहां तक की लंबाई को भी एग्जाम में पूछा गया है। तो फिर मैं पूछूंगा, हाँ कुछ कह रहे हैं जी आप सभी लोग, किसको मार रहे हो सर? हम भी चाय से चाय, ओके, हाँ आपके काम की चीज है जी। हाँ गुलेरिया जी क्या कह रहे हैं हमारे, सच में सर, ओके चलिए, तो ये अपन एकदम फोकस करिएगा। देखिए हाँ, इसको कहते हैं बैरल, ये भी आपका एग्जाम में पूछा जाता है। तो मजल क्या होता है, बैरल क्या होता है, अभी सारी चीजें मैं पढ़ाऊंगा आपको, तब आप भूलना मत। तो बैरल किसको कहते हैं, ये आपका पूरा का पूरा क्या है, बैरल कहलाता है। अरे बैरल का मतलब हिंदी में ये पाइप होती है ना, पाइप, हाँ वो जो आग लगाते हैं ना गांव में, चूल्हा जलाते हैं तो फूंक के ऐसे आग लगाते हैं चूल्हे में, तो फुकनी कहते हैं उसको। हाँ ये भी मेरे स्टूडेंट ने प्लस कोर्स में बताया था, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो वो जो पाइप होती है, इस पाइप को क्या बोलते हैं, बैरल बोला जाता है। तो पाइप को आप बैरल बोल देंगे। अब आगे की बात करते हैं, इसके बाद देखिएगा जो आपका कार्ट्रिज होता है, जैसे प्रिंटर के अंदर भी तो कार्ट्रिज होता है, उसके अंदर कार्ट्रिज डाल के प्रिंट निकाला जाता है, इसमें कार्ट्रिज डाल के ठोका जाता है। तो ये कार्ट्रिज है, इसका बुलेट यहाँ पे डाला जाता है, बिल्कुल ये कार्ट्रिज होता है इसका, यहाँ पे बुलेट डाला जाएगा, ये इसकी फायरिंग पिन होती है, बिल्कुल ये फायरिंग पिन होती है, ये इसके पीछे का रियर साइड के लिए ये चीज बनाई होती है, और हैमर जो इसका होता है सबसे लास्ट में होता है। तो बिल्कुल जो आपका हैमर होता है ना इस बंदूक का, वह सबसे लास्ट में होता है, इसे हैमर के नाम से जाना जाता है। हाँ अब ये देख रहे हो खुरदरी जगह है, इसको खुरदरी क्यों बनाई गई है, ताकि जब हम गोली मारे, मतलब जो ऑथराइज्ड पर्सन गोली मारे तो उसके हाथ से फिसले नहीं, तो थोड़ा सा रफ बनाया गया है, इसको कहते हैं ग्रिप। गाड़ी में भी ग्रिप होती है, इसमें भी ग्रिप है। हाँ अब देखिए मैगजीन कहाँ पे दिया गया, इसका यहाँ पे, ये इसका मैगजीन है, यहाँ पे देखो एक से बढ़ के एक दो तीन चार पाँच छठी यहाँ पे है। जैसे ही इसको छठी को मारेंगे, पहले पांचवी ऊपर आ जाएगी, चौथी ऊपर आ जाएगी, तीसरी आ जाएगी, इस तरह से ये बंदूक काम करता है। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज एग्जाम में पूछा जाता है, ये भाई साहब इसका ट्रिगर होता है, ठीक है, ये इसका ट्रिगर होता है, और ये इसका ट्रिगर का गार्ड होता है। तो ट्रिगर अंदर वाली हो गई, और गार्ड जो होता है इसका, ट्रिगर गार्ड, ये ऊपर का पूरा परत ट्रिगर गार्ड कहलाता है। अब मेरे को बताओ ट्रिगर गार्ड की आवश्यकता क्यों है? अब जानते ही हैं शादियों में जाते हैं लेके बंदूक ऐसे ऐसे मारेंगे, और कहीं जेब में ही रखा हुआ है, गार्ड नहीं हुआ, दब गया तो वही स्वाहा हो जाएंगे, इसलिए ये दबे नहीं किसी से, इसके गार्ड की एक सुरक्षा दी गई है। फिर भी हमारे जो महान लोग हैं इंडिया के, वो ऐसा गड़बड़ कर ही देते हैं। हाँ कितने गोली है मैगजीन में गिन लीजिए आप, अभी तो 6 ही हैं, AK-47 तो प्रोहिबिटेड है, वो दिया नहीं जा सकता। आगे की बात करते हैं, सभी को क्लियर हो गया? अब बंदूक तो मैंने बता दिया, अब राइफल की बात करते हैं, असॉल्ट राइफल क्या होता है, थोड़ा डिफरेंस है। देखिए इसको बंदूक नहीं बोलते, इसको राइफल बोलते हैं, पता है ना, कई बार क्या होता है, गोली खत्म हो गई तो ही जान से मार देंगे, कैसे, ये जो इसका पार्ट होता है ना भाई साहब, हील कहते हैं इसको, और बट प्लेट कहते हैं इसको। हाँ ये इसका हील होता है, और नीचे वाला पूरा इसका बट प्लेट होता है। ये बट प्लेट से ही किसी को मार दो आप, मतलब उल्टा करके ऐसे सीधे ही मारो, आदमी बचेगा नहीं, पक्का है। तो बिल्कुल इसका यूज आप लोग ना करें, मैं ये प्रमोट नहीं कर रहा हूं कि इसको आप चलाएं, बिल्कुल ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए समझा रहा हूं, राइट। हाँ कोई भी ऐसे ताव में मत आ जाइएगा। अब ऑटोमेटिक राइफल होता है यहाँ पे, ये इसका कॉम्ब होता है, ये इसका बट होता है, बट से मारा जाता है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज भी बात करते हैं, ट्रिगर इसका यहाँ पे हो गया, जैसे उसमें ही था, ट्रिगर गार्ड हो गया ये आपका। फिर आगे की बात, बैरल का एक्सटेंशन, इसे कहते हैं बैरल एक्सटेंशन, ठीक है। हाँ इसे कहते हैं हैंड गार्ड लाइनर, ये जो ऊपर बनी होती है ना, हैंड गार्ड लाइनर होती है, फ्रंट साइड हाउसिंग होता है। अब बात चलेगी मजल की, जो हमारे काम की चीज है, इसका मजल कौन सा होता है, जो आगे की ये चीज होती है ना, इसी को इसका मजल कहते हैं जी। अरे चल जा भाई। हाँ ये इसका मजल पॉइंट होता है, यहाँ लास्ट वाला, ठीक है, ये मजल होता है।
अब स्लिप रिंग आपकी, ये स्लिप रिंग हो गई, बैरल का नट हो गया, अब इस सबको क्या करोगे? बट इतना ही जान लो ये बैरल का नट है। बैरल क्या होता है, जो बैरल पाइप होती है ना पूरी लंबी वाली, ये पूरी बैरल है, बैरल के नट से यहां जोड़ दिया जाता है, ये मजल हो जाता है और मजल से बैरल की लंबाई पूछी जाती है। ओके, ये सेफ्टी हो गया इसका, स्टॉक यहां पे, स्टॉक मतलब समझ रहे हो ना, यहां भरा रहता है माल, ठोकते रहेंगे जब तक खत्म नहीं होगा। ओके, तो हमारे जो भी जंगली लोग होते हैं ना, आई मीन टू से हमारे जो भी जंगलों के राजा हुआ करते थे, जैसे कौन हुआ करते थे, जो कहते थे बट उनको हम नहीं मानते हैं, हमारी सरकार नहीं मानती है, जिनको अभी उड़ा दिया गया, वीरप्पन हो गया या कई और लोग भी थे जिनको, जो ऐसी बंदूकें रखते थे, ठीक है, बिल्कुल ये मना है आपको रखना। हाँ, संजय दत्त, संजय दत्त का तो नाम ही मतलब, संजय दत्त भाई एकदम सरेंडर हो गया है, अब छोड़ दो भैया, अपने बस की बात नहीं है डॉन बनना, बिल्कुल एकदम शांति धा गया है। अरे भैया कानून है, एडवोकेट्स हैं हम लोग, पुलिस डिपार्टमेंट है इंडिया की, ऐसी तैसी कर देगी, कोई भी गलत काम नहीं करेगा, दैट्स इट, ये हमारी पॉलिसी है। आगे बढ़ते हैं, अब एक और हथियार की बात देख लीजिएगा। हाँ, इट टॉक्स अबाउट फ्यूजेस एंड फ्रिक्शन फॉर यूजिंग बॉम्ब एक्सप्लोजिव थिंग्स। हाँ देखो जी, ये आपको जो दिख रहा है ना मामला, ये मामला भी बड़ा ही खतरनाक मामला है। अब आपने देखा होगा कि ये बात कर रहा है फ्यूजेस का एंड फ्रिक्शन ट्यूब्स का। क्या कह रहा हूँ, एक फ्यूजेस होते हैं और एक फ्रिक्शन ट्यूब्स होते हैं। अब ये क्या होते हैं इसको भी समझिएगा, ठीक है, फ्यूजेस और फ्रिक्शन ट्यूब्स क्या होते हैं। तो फ्यूजेस जो आपका होता है और फ्रिक्शन ट्यूब, जंगलों में आपने देखा होगा कि वो जो नक्सली होते हैं, नक्सलाइट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, घास फूस के नीचे ऐसे बिछा के रखते हैं, जैसे ही कोई पैर रखेगा वो विस्फोट हो जाएगा, मर जाएगा। तो यही चीज तो ये करता है काम, बिल्कुल। तो इसको फ्यूजेस एंड फ्रिक्शन ट्यूब की बात करेंगे। अब देखिए कुछ हथियार इस तरह के भी हैं, चाकू हो गया, छुरी हो गया, जो खतरनाक तरीके के होते हैं, वो सारे भी क्या है हमारे इसी कैटेगरी में आते हैं जी। हाँ, आई होप सभी को अब यहां तक क्लियर हो गया, एक बार डन करें कि हाँ हथियारों के नाम काफी हमने सीख लिए हैं, दो चार और हथियार आएंगे बाद में भी बता दूंगा क्लास में, उसके जब कंसर्न या रिलेटेड प्रोविजंस आएंगे, राइट। तो अब स्टार्ट कर दिया जाए आगे की चीज, सेक्शन टू में आ जाए, फटाफट बताएं उसके बाद आगे चलते हैं। हाँ सभी बताएं फटाफट जी। ओके, हाँ डन, चलिए अब देखिए, अब फटाफट देखिएगा, पूरे आर्म्स एक्ट का एकदम ढांचा लेके आया हूं। द आर्म्स एक्ट 1959, आयुध अधिनियम 1959, इसमें 6 चैप्टर होते हैं। पहला चैप्टर आपका प्रीलिमिनरी है, प्रारंभिक, जिसके सेक्शन 2 तक आते हैं, 1 और 2। फिर दूसरे चैप्टर की बात करेंगे तो यहां पे ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे जितने भी आर्म्स और एम्यूनिशन होते हैं जी, क्या बोल रहा हूं, जितने भी आर्म्स और एम्यूनिशन होते हैं, अभी पढ़ाऊंगा आर्म्स और एम्यूनिशन क्या होता है, उनका एक्विजिशन कोई कैसे अर्जन कर सकता है, कोई अपने पोजेशन में कैसे रखेगा, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे की जाएगी, सेल, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनिशन, सारी चीज, मतलब आर्म्स और एम्यूनिशन को बनाने से लेके बेचने से लेके उसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट तक का प्रावधान सारा दिया गया है चैप्टर 2 के अंदर। फिर बात करेंगे अपन चैप्टर 3 की, प्रोविजंस रिलेटिंग टू लाइसेंस। अच्छा जी, लाइसेंस कैसे लोगे, क्या मैं भी बंदूक रख सकता हूं, बिल्कुल रख सकता हूं अगर मेरे पास लाइसेंस है तो, दैट्स इट। फिर देखिए ये कहां से कहां तक है, ये 13 से 18 तक है। अच्छा, ये कहां से कहां तक है, ये 3 से लेके 12 तक को सेक्शंस को कवर करता है, ये 3 से 18 तक के लाइसेंस को कवर करता है। फिर इसके बाद चैप्टर 4 की बारी आएगी, जो पावर एंड प्रोसीजर बताता है, क्या बताता है चैप्टर 4, पावर एंड प्रोसीजर बताता है जी। ओके, अब विजिबल होगा आई होप, ये आपका देखो छुपा हुआ था, कहाँ छुपेगा भाई। हाँ, फिर उसके बाद चैप्टर 4 बताता है, सेक्शन 19 से लेके 24B तक को कवर करता है पावर एंड प्रोसीजर, क्या क्या पावर है, क्या क्या प्रोसीजर है। फिर बात करते हैं चैप्टर 5 की, ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज। हाँ, अब तुमने गड़बड़ कर दिया है, तुमको छोड़ा जाएगा नहीं, तुमको अपराधी माना जाएगा, तुमको पेनल्टी लगाएंगे, कहां से कहां तक, 25 से लेके 33 तक को लगाया जाएगा। फिर बात करते हैं चैप्टर सी की, मिसलेनियस मतलब प्रकीर्ण, जो आपका 34 से लेके 46 तक को कवर करता है। तो ये आपका पूरा स्ट्रक्चर है जो पूरे आर्म्स एक्ट को समझाऊंगा मैं, राइट। अब बात करते हैं आगे की, चलिए हाँ नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। हाँ, सेक्शन 2 जो आपका है वह क्या कवर करता है, डेफिनेशन को और इंटरप्रिटेशन क्लॉज को, ठीक है, निर्वचन खंड को क्लॉज करता है। अब इसका पहला डेफिनेशन जो है सेक्शन 2A का, वह बताता है एक्विजिशन। एक्विजिशन का मतलब होता है अर्जन करना। हाँ, अब अर्जन का मतलब क्या होता है, सर एडवोकेट गन का लाइसेंस लेते हैं तो कुछ डिस्काउंट होता है क्या,
चलिए आवाज़ उठाते हैं आपके लिए। हाँ, पार्लियामेंट में बात करेंगे, आवाज़ उठाएंगे, इसको अच्छी बात है। हैप्पी बर्थडे किसका है? चलिए, हाँ सर, सेल ऑफ गुड्स एक्ट की आगे वाली क्लास कब होगी? करवा देंगे जी, करवा देंगे। बाकी कुछ क्लासें मैंने स्पेशल, जो अन अकेडमी की फ्री क्लासेस होती है ना, स्पेशल क्लास, उसके अंदर भी मैंने एक दो टॉपिक कराया है, कवर कर लीजिएगा। बिल्कुल, अभी थोड़ा सा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा हूँ। हाँ, अनदेखी जी कैसे हैं आप? हेलो, हाउ यू? चलें आगे पढ़ाई करें। हाँ, आगे पढ़ाई करते हैं। चलिए, एक्विजिशन का मतलब क्या होता है? सभी लोग यहाँ ध्यान दें अभी। एक्विजिशन का मतलब होता है अर्जन, किसी चीज़ को एक्वायर करना। क्या कहलाता है? एक्विजिशन कहलाता है। अब एक्विजिशन इंक्लूड्स, एक्विजिशन के अंदर क्या सम्मिलित होता है जी, कोई बता सकता है? एक्विजिशन के अंदर किसको सम्मिलित करते हैं? किसी भी चीज़ की ऑनरशिप रखना। आपके बेयर एक्ट में लिखा होगा ग्रामेटिकल, और वो जो होते हैं ना, सारे मीनिंग इसका लिया जाएगा, कॉग्नेट एक्सप्रेशन इंक्लूड्स, तो आपको उसका मतलब होता है आपके पास इसकी ऑनरशिप। तो इट इंक्लूड्स, एक्विजिशन इंक्लूड्स ऑनरशिप। अगर मैं कोई भी बंदूक खरीदता हूँ, कोई भी फायर आर्म खरीदता हूँ, कोई भी हायरिंग भाड़े पर लेके आता हूँ, उधार पे लेके आता हूँ, चाहे मुझे वो गिफ्ट में, मेरा बर्थडे था, आपने हथियार ला के मुझे गिफ्ट में कर दिया, ठीक है, करोगे ना? हाँ, तो आप लोग कर सकते हैं, बिल्कुल। हाँ, मेरे पास लाइसेंस होगा तो आप करोगे, ऐसे नहीं कर सकते हो, ठीक है? तो उसी को ही आप गिफ्ट दे सकते हो, हु इज एंटाइटल टू होल्ड दैट, राइट? अब आगे की बात करते हैं। तो एक्विजिशन में क्या क्या आता है? चार चीज़ें आती हैं, चाहे मैं ओनरशिप ले लूँ, चाहे मैं किसी चीज़ को हायर करके ले लूँ, या बोरोविंग उसको उधार पे ले लूँ, या गिफ्ट के रूप में एक्सेप्ट करूँ, किसी भी तरीके से कोई चीज़ को प्राप्त करना। अब यह चीज़ क्या है? आर्म्स और एम्युनिशन, वह कहलाता है जी, हाँ वह कहलाता है आपका एक्विजिशन, राइट? इंडियन फॉरेस्ट एक्ट भी करवाएं सर प्लीज। चलो 150 माइनर एक्ट सारे करा दूंगा भाई, धीरे धीरे आएगा ना, अब अकेला कितना पढ़ाऊंगा मैं। तो एक एक एक्ट को कवर करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, करते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, डन। हाँ अच्छा, चलिए, आप लोग कमेंट्स ऐसी करते रहेंगे, आई होप। हाँ, अब पढ़ाई भी ध्यान दे दो जी, सभी लोग पढ़ाई भी ध्यान दे दो। देखो, गिफ्ट विफ्ट मुझे गन गिफ्ट नहीं की, क्यों करेगा कोई गिफ्ट गन? अरे यहाँ पे ध्यान दीजिए, चलिए एक एक पॉइंट को वापस डिस्कस करते हैं, राइट? अब एम्युनिशन क्या होता है? एग्जाम में आने वाला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज एम्युनिशन। एम्युनिशन की एक एक चीज को, एक एक चीज को, एम्युनिशन की एक एक चीज को, सर आइए, एम्युनिशन। हाँ, मैं सभी को एक सर को इनवाइट कर रहा हूँ, वन ऑफ द ग्रेट पर्सनैलिटी ऑफ जोधपुर। बिल्कुल, सर के दर्शन हो गए, मुझे रहा नहीं गया, हमारे सबके गुरु, हाँ विश्व गुरु भी मैं बोल सकता हूँ मेरी नज़रों में। तो मैं इनवाइट कर रहा हूँ पीपी शुक्ला सर को जी, तो आइए मैं मिलवा देता हूँ एक सेकेंड पीपी शुक्ला सर को। बिल्कुल, ही इज द यंगेस्ट पर्सन इन जोधपुर हु इज टीचिंग हिंदी राइट नाउ। नमस्कार दोस्तों, ये एक हिंदी में अलंकार होता है अतिशयोक्ति, जो हिंदी के बच्चे होंगे बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। अतिशयोक्ति का मतलब होता है बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोलना, और कोई सीखे किससे? अनूप सर से जी। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इनकी क्लास अटेंड करते हैं, मुझे पता है, मुझे निगलेक्ट करके इनको महत्व देते हैं। नया का जमाना है। नहीं नहीं सर, नहीं नहीं, नया का जमाना है, बना के रखिए। बिल्कुल सर, नमस्कार नमस्कार। सर का जो हिंदी का है, मैं फिर से बता देता हूँ, सर के हिंदी की क्लास का क्वेश्चंस का पीडीएफ रखिएगा, और एग्जाम में जब बैठेंगे तो मैच करिएगा, कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा साथियों। सो बी प्रिपेयर, बी रेडी फॉर हिंदी सब्जेक्ट, राइट? थैंक यू सो मच सर, ओके। बहुत बहुत खुशी मुझे भी हुई आपको देखकर। भव्या जी, ज्योति जी, नमस्कार। सारिका जी, बहुत बहुत खुशी हुई, धन्यवाद। आप बस इसी तरह क्लास अटेंड करते रहें, विजय पथ पर बढ़ते रहें, यही कामना रहेगी। सारिका जी कह रही है ओल्ड इज गोल्ड ना, ये तो अपमान हो गया। मैं ओल्ड गोल्ड नहीं बनना चाहता, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि आप बहुत बड़ी करिश्माई शब्दों का प्रयोग करेंगे, पर चलिए काम चला लूंगा। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, ओके। जैसा कि आप सभी को मैंने बताया था, आज की प्रॉब्लम क्या थी, पूरी बिल्डिंग में कोई नहीं था जी, समझ रहे हैं? तो अकेला स्टूडियो में आना, खोलना, करना, थोड़ा टेक्नोलॉजी में वीक तो हम होते ही हैं। तो आज सर जैसे ही दिखे मैंने कहा आइए, कहाँ जा रहे हैं, चलिए अब आगे की बात करते हैं। हाँ, हालांकि मैं मजाक मजाक में सर को कह देता हूँ कि वाइन जितनी पुरानी होती है उतनी ही शानदार होती है, तो मैं वो सर के सामने नहीं बोल सकता था, वरना सर डांट देते मेरे को। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, एम्युनिशन क्या होता है उसकी बात करते हैं। एम्युनिशन का मतलब होता है एम्युनिशन फॉर एनी फायर आर्म, यहीं से प्री का क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, कोई भी इधर उधर ना जाए। हाँ
चलिए सभी लोग अब ध्यान रखिएगा, अब क्वेश्चन बता रहा हूँ एग्जाम में क्या आता है उसके इंपॉर्टेंस को समझिएगा। हाँ, पहला बात है एम्यूनिशन मीन्स एम्यूनिशन फॉर एनी फायर आर्म, इसका मतलब क्या हो गया? तो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ये पढ़ लिया आप सभी ने, अब क्वेश्चन पूछ रहा हूं, फटाफट क्वेश्चन पूछ लूं, सभी लोग रेडी हैं? सभी लोग रेडी हैं या नहीं, फटाफट बताओ, क्वेश्चन पूछूं। ये क्या बोल रहा है, एम्यूनिशन मीन्स एम्यूनिशन फॉर एनी फायर आर्म एंड इंक्लूड्स, एम्यूनिशन के अंदर और क्या आते हैं, रॉकेट हो गया, बॉम्ब हो गया, ग्रेनेड्स हो गए, शेल्स हो गए, मिसाइल्स हो गई, मैं काफी चीजें आपको फोटो में दिखाया था। हाँ, रॉकेट, बम, ग्रेनेड, गोला, अन्य शस्त्र, ये सभी आते हैं। ये सभी किसके अंदर आते हैं, एम्यूनिशन के अंदर। या फिर कोई भी आर्टिकल, कोई भी वस्तु डिजाइन फॉर टॉर्पीडो सर्विस एंड सब मारिन माइनिंग, ठीक है जी, टॉर्पीडो सर्विस के लिए या फिर सब मारिन के लिए, जो समुद्र के ऊपर जहाज चलते हैं, मतलब शिप चलती है, नीचे टॉर्पीडो वगैरह जो चलते हैं उनके, वो सब भी किसके अंदर आते हैं, एम्यूनिशन के अंदर काउंट होते हैं। हाँ, आगे चलते हैं। देखिए, अब टॉर्पीडो को काम में लाने और अंतः समुद्री सुरंगें बिछाने के लिए परिकल्पित वस्तुएं, बिल्कुल समुद्र के अंदर जो सुरंगें बिछाने के लिए वस्तुएं काम आती हैं, किस लिए काम करते हैं भाई, कोई भी आ गया शत्रु हमारा उसके ऊपर आक्रमण करने के लिए। हाँ, टॉर्पीडो क्या होता है मैं अभी बताने वाला हूँ आपको, आपको कोई ऐसी चीज छोड़ूंगा ही नहीं जी, आप रुका तो करिए, अभी टॉर्पीडो तो बोला है, अभी दिखाएंगे भी आपको, तो टॉर्पीडो क्या है सभी दिखाऊंगा। अब मेरा क्वेश्चन है, पहले उसका आंसर दीजिए आप सभी लोग। हाँ, एम्यूनिशन मीन्स एम्यूनिशन फॉर एनी फायर आर्म। अब देखिए, एम्यूनिशन इंक्लूड्स फायर आर्म। यस या फिर नो, जल्दी बताएं। देखो, यही क्वेश्चन प्री में आया हुआ है आपका और पूछा गया था पढ़ाने में। देखो, एक बढ़िया चीज क्या है ना, मैं प्री के सारे क्वेश्चन करा देता हूं, आपको बड़ा ही मजा आएगा। चलिए बताइए फटाफट, क्या एम्यूनिशन के अंदर, एम्यूनिशन का मतलब बताया ना अभी, हाँ, गोला बारूद के अंदर क्या फायर आर्म आता है, जल्दी बताएं। इसको बोलते हैं गोला बारूद। गोला बारूद के अंदर फायर आर्म आता है क्या, अग्नायुद्ध, इसका मतलब क्या हो गया। आई होप यही हिंदी है भाई, थोड़ा देख लीजिएगा। हाँ, अग्नायुद्ध, ओके डन, अग्न्या, एकदम परफेक्ट कर देता हूं, आई होप थोड़ी हिंदी गड़बड़ हो गई है, अग्नायुद्ध, मात्रा पाई देख लीजिएगा इतना। हाँ, जल्दी बताएं, मैं आपके आंसर्स का वेट कर रहा हूं। अब परफेक्ट है जी, ओके। हाँ, कमेंट फटाफट आ रहे हैं, सभी कह रहे हैं भव्य जी, यस। कमेंट दिख सकते हैं क्या मुझे सभी के, यस। देखिए जी, कहीं नॉप्स, ओके, आपका एकदम मॉडर्न आंसर है। हाँ, अलकार सिंह राजपूत, प्रजापति सर इतनी हिंदी नहीं आती है, अरे हमें आती है ना जी, बस लिखने में थोड़ी दिक्कत है। सी के अंदर से शिप के मारने वाली मिसाइल, अच्छा चलिए सभी को बता देता हूँ, ये इसका राइट आंसर नहीं है। बिल्कुल, जो आपका एम्यूनिशन होता है वह इंक्लूड फायर आर्म को करता है क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब एम्यूनिशन और फायर आर्म एक ही है क्या, मतलब ये ऐसा, ये एम्यूनिशन है आपका तो इसी एम्यूनिशन के अंदर फायर आर्म आ जाएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, ये आंसर आपका गलत है। और 99% बच्चों ने, हाँ 99% बच्चों ने गलत करके आए थे। हाँ, इसका आंसर क्या होगा, नो, इसका राइट आंसर होगा, ध्यान से देखिएगा ये क्या कह रहा है, प्री का क्वेश्चन है इसीलिए मैंने पूछा है, एम्यूनिशन मींस एम्यूनिशन फॉर एनी फायर आर्म। एग्जैक्ट अब समझाता कैसे हूं, बंदूक आपकी फायर आर्म है, क्या कह रहा हूं, फायर आर्म क्या होती है, बंदूक, जो आपका गन है, जो आपकी बंदूक होती है वह आपकी फायर आर्म कहलाती है। हाँ हाँ, सभी बताऊंगा, ध्यान से सुनिए पहले। हाँ, फायर आर्म क्या होता है, बंदूक, और एम्यूनिशन क्या होता है, जो बंदूक के अंदर गोली डाली जाती है। तो बताइए, क्या गोली और बंदूक एक का ही होता है क्या भाई, नहीं होता है। जो मिसाइल्स के अंदर जो सब माल भरा जाता है, ठोका जाता है, वो सारा एम्यूनिशन है। जो गोला बारूद होता है वो एम्यूनिशन है, लेकिन जिसके अंदर डाल के वो फायर किया जाता है वह पूरा ढांचा क्या कहलाता है, फायर आर्म कहलाता है। हाँ, आई होप सभी को समझ में आ गया। हाँ, ओके ओके, देखिए जी, हाँ फटाफट बताएं, फायर आर्म क्या होता है, बंदूक,
बंदूक आपका फायर आर्म है, उसके अंदर जो गोली डाली जा रही है वह आपका एम्यूनिशन की डेफिनेशन में आएगी। इसलिए एम्यूनिशन मीन्स एम्यूनिशन फॉर एनी फायर आर्म, जो फायर आर्म के लिए जो चीजें हैं वह एम्यूनिशन है, फायर आर्म कभी भी एम्यूनिशन नहीं है। सभी को क्लियर हुआ या नहीं जल्दी बता दें। तो एम्यूनिशन में क्या हो गया, जो चीजें होती है ना जो डाली जाती है मशीन के अंदर, तोप के अंदर सारी चीजें जो होती है उसको डाल के फिर छोड़ा जाता है, तो जो आपका तोप हो गया वो फायर आर्म है, जबकि जो अंदर मटेरियल डाला जा रहा है, बारूद डाला जा रहा है, वह क्या है आपका एम्यूनिशन। तो कोई भी गलती इसमें नहीं करेगा, प्री में फिर से पूछा जाएगा ये, ओके। हाँ, अब देखिएगा सेकंड पॉइंट एम्यूनिशन के में और क्या आता है, रॉकेट। अब रॉकेट पूरा का पूरा है ना ठोक देता है जाके, इसलिए बॉम्ब हो गया, ग्रेनेड्स हो गया, शेल्स हो गया, टॉर्पीडो हो गया, सब मारिन हो गया, ये सारी इसके अंदर आएंगे जी। हाँ, आगे की बात करते हैं। अब देखिए अदर आर्टिकल्स कुछ और भी हैं, कंटेनिंग और डिजाइंड एडेप्टेड टू कंटेन, जिसके अंदर एक्सप्लोजिव कोई भी विस्फोटक चीज है, राइट, या फल्मिनेटिंग है। फल्मिनेटिंग का मतलब समझते हैं, इस स्फुर्जनकारी या विखंडनीय सामग्री, मतलब क्या हुआ फल्मिनेटिंग और फिजनेबल मटेरियल, जो जिसको छोड़ने के बाद तहस नहस करती हो, मतलब मामला गड़बड़ कर देती हो, वो सारी चीजें किसमें आएंगी एम्यूनिशन में आएगी। और नॉक्शियस लिक्विड, कोई भी जो जहरीली, क्या कह रहा हूं, जहरीली गैस या अन्य ऐसी कोई चीज होती है वो जो जिसको अंतरिक्ष रखने वाली या अंतरिक्ष रखने के लिए परिकल्पित या अनुकूलित अन्य वस्तुएं हैं, चाहे वे अग्नियुद्धों के साथ में उपयोग हो या नहीं हो। कहने का मतलब क्या हुआ, जितनी भी ये सारी चीजें हैं फायर माफ कीजिए एम्यूनिशन में आएगी। हाँ, कोई भी लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है, गैस के में फॉर्म हो सकता है, अदर थिंग्स में भी हो सकता है। हाँ, अब यहाँ पे ये कंडीशन नहीं कह सकते हो आप कि क्या इस एम्यूनिशन को फायर आर्म में डाल के ही छोड़ा जाए, नहीं, ये कोई कंडीशन नहीं है बिल्कुल। तो वेदर कैपेबल ऑफ यूज विद फायर आर्म और नॉट, चाहे इसको फायर आर्म के साथ यूज करो चाहे मत करो, इसका कोई लेना देना नहीं है। और देखिए लास्ट, चार्जेस फॉर फायर आर्म, हाँ, चार्जेस फॉर फायर आर्म एंड एसेसरीज ऑफ सच चार्जेस। अब देखिए बंदूक को भी, मतलब जो गोली डालना हो गया, ये सब चार्ज कहलाता है, तो जो चार्ज किया जाता है वह भी इसके अंदर आएगा, चार्ज करने के लिए कोई एसेसरी यूज में आ रही है वह भी इसके अंदर आ जाएगा। अब देखिए फ्यूजेस एंड फ्रिक्शन ट्यूब्स, अभी मैंने बताया था ना जो जंगलों में नीचे बिछा देते हैं वो फ्यूजेस एंड फ्रिक्शन ट्यूब हो गया। हाँ, एम्यूनिशन का मतलब ये भी होता है, एम्यूनिशन को बनाने के लिए, एम्यूनिशन को निर्माण करने के लिए जो चीजें आती हैं वह भी एम्यूनिशन कहलाती है, मतलब कोई भी मशीन है जो एम्यूनिशन को बना रही है वह भी एम्यूनिशन कहलाएगी। अच्छा, ऐसा क्यों कहलाएगी, क्योंकि हमें आर्म्स एक्ट के अंदर उन सबको कवर करना है। फिर एम्यूनिशन को बनाने के लिए जो मशीनरी यूज आ रही है उसका कोई छोटा मोटा पार्ट है वह पार्ट भी एम्यूनिशन कहलाएगा। या सच इंग्रेडिएंट्स ऑफ एम्यूनिशन एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में नोटिफाई, सेंट्रल मतलब केंद्र सरकार ने कह दिया यह एम्यूनिशन है ऑफिशियल गैजेट में निकाल के, तो वह भी आपका एम्यूनिशन कहलाएगा। चलिए कुछ चीजें और भी हैं जो मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे। हाँ, आर्म्स का मतलब क्या होता है ये भी समझ लेते हैं, अभी आपको टारपीडो वारपीडो सब बता दूंगा। आर्म्स का मतलब क्या होता है वो भी देख लीजिए, इट मीन्स आर्टिकल्स ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन। हाँ, एम्यूनिशन बता दिया, आर्म्स को समझेगा, इट मीन्स आर्टिकल्स ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन डिजाइंड और एडेप्टेड, हाँ, एज अ वेपन, जिसको वेपन के रूप में, हथियार के रूप में डिजाइन किया गया हो, एडेप्ट किया गया हो फॉर ऑफेंसेस और डिफेंसेस। हाँ बिल्कुल, अब देखिए आर्म्स हमेशा गलत वर्ड नहीं होता है, हथियार बोलते आर्म्स बोलते सब लोग अलग देखते हैं, अरे भाई ये आपको अपराध करने में काम तो आता ही है बट आपको आपकी सुरक्षा के लिए भी काम में आता है, तो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बोल दिया। तो आर्म्स मीन्स आर्म्स विच इज डिजाइंड और एडेप्टेड एज अ वेपन फॉर ऑफेंस एंड ऑल्सो फॉर डिफेंस, जो आपको ऑफेंस के लिए भी काम आता है और डिफेंस में भी काम आता है, एंड इंक्लूड्स फायर आर्म। देखिए क्वेश्चन, अब क्वेश्चन आ रहा है वापस बताइएगा, आर्म्स इंक्लूड्स फायर आर्म्स, क्या आर्म्स इंक्लूड करता है फायर आर्म्स को, यस या नो में अब आंसर दीजिए जल्दी से बताएं जी। क्या आर्म्स के अंदर फायर आर्म्स आते हैं इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, पीला कर दिया है जी, लाल पीला तो मैंने कर दिया, अब आप राइट बता दीजिए। कोई स्टूडेंट कमेंट कर रहा है, चला गया वो, देखो तो क्या कह रहा है, कुछ इंफॉर्मेशन है। हाँ, मेरी आई साइट क्या वीक है, वापस से आपका मैसेज दिख नहीं रहा है। सर मेरी आईसाइट बहुत वीक है तो क्या फिर भी मैं पुलिस या पायलट बन सकती हूँ, ठीक है सारे प्रोविजंस को देख के मैं बताता हूँ।
बाकी लेकिन इसमें इसमें मेरा मेरे हिसाब से 99% नो आंसर होगा। रेलवे के अंदर भी आईसाइट की कमी की वजह से निकाल दिया जाता है। चलिए आप जज बन जाइए। अभी बता रहा हूँ जी, स्वॉर्ड स्वॉर्ड आपका तलवार जो है इसमें आता है कि नहीं आता है? बिल्कुल आएगा, देख तो बताता हूँ अभी। हाँ, आर्म मीन्स, अभी सारी चीज़ें बता रहा हूँ, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। देखिए, आर्म मीन्स आर्टिकल्स ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन डिजाइंड और एडेप्टेड एज अ वेपन फॉर ऑफेंस और डिफेंस एंड इंक्लूड्स फायर आर्म्स। फायर आर्म इसको, आर्म्स के अंदर फायर आर्म्स आते हैं। अब देखिएगा, शार्पेस्ड, कोई भी चीज़ जो तीखी हो, बताओ तलवार तीखी है कि नहीं है? हाँ, दो धारी तलवार। एंड अदर डेडली वेपन्स, और कोई भी ऐसी घातक हथियार है। एंड पार्ट्स ऑफ एंड मशीनरी फॉर मैन्युफैक्चरिंग आर्म्स, बिल्कुल। तो कोई भी चीज़ जो आर्म्स तो है ही है, हथियार है, तलवार है, औजार है, उसको बनाने के लिए जो मशीन यूज में आ रही, वह भी आर्म्स की डेफिनेशन में आएगी। अब आगे की बात करते हैं, बट डज नॉट इंक्लूड। अब बताओ, आर्म तो बता दिया सब आएगा, आर्म्स के अंदर क्या नहीं आएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब देखिए, जो भी चीज़ें घरेलू, घर में मम्मी जी चाकू लेके बैठी हैं, मारने के लिए नहीं जी, सब्जी काटने के लिए। हाँ, सब्जी काटने के लिए चाकू लेके बैठी है, कह दोगे अरे बाप रे आर्म्स एक्ट लगा देंगे? नहीं, तुम्हारे ऊपर लग जाएगा कौन सा, देश निकाला का प्रावधान, तुम बाहर कर दिए जाओगे घर से। घर से बाहर निकलने का मतलब देश से निकाल दिए जाओगे। अब देखो, बट डज नॉट इंक्लूड आर्टिकल्स डिजाइंड और सोलेली फॉर डोमेस्टिक और एग्रीकल्चरल पर्पस। ठीक है, हमारे किसान भाई हैं, कुदाल हल लेके बैठे रहते हैं, फावड़ा लेके बैठे रहते हैं, अब मारो तो उससे एक बार भी आदमी मर जाए, क्या उसको भी आर्म्स में ले लें? नहीं। कोई लाठी हो गई, दादाजी लाठी लेके चल रहे हैं, दादाजी कई बार, दादाजी सारे 99.99 तो बहुत बढ़िया होते हैं, 1% गाँव में जाइएगा, दादाजी लाठी लेके ही बैठे रहते हैं, कि कोई आए तो बताऊँ, एक बार मेरे घर के आसपास ले लाठी, एक दिया धम, तो क्या वह लाठी भी आपका आर्म्स है? नहीं। तो कुल मिला के क्या हुआ, डोमेस्टिक यूज, एग्रीकल्चरल यूज, तीसरा क्या हो गया, कोई भी लाठी हो गई, ऑर्डिनरी वॉकिंग स्टिक हो गया जिसको पकड़ के चलते हैं, एंड वेपन्स इनकैपेबल ऑफ बीइंग यूज्ड। हाँ, ये सारी चीजें आपके आर्म्स में नहीं आएगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने वाला हूं, बिल्कुल मजा आ जाएगा, सुनिएगा। यहां पे क्वेश्चन बनेगा, एंड वेपन्स इनकैपेबल ऑफ बीइंग यूज्ड अदरवाइज देन एज अ टॉय और बीइंग कन्वर्टेड इनटू सर्विसेबल वेपन। चलिए जी, यहां पे ये क्या कह रहा है, मैं सभी से पूछूंगा इसके जवाब को। यहां पे ये कह रहा है भाई कि वेपन इनकैपेबल ऑफ बीइंग यूज्ड अदरवाइज देन एज अ टॉय, मतलब आप हथियार को यूज तो कर सकते हो बट एक खिलौने से ज्यादा नहीं। ठीक है, तो टॉय कोई आम होगा क्या? नहीं होगा। लेकिन दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, और बीइंग कन्वर्टेड इनटू सर्विसेबल वेपन, जिसको इनकैपेबल बता रहा है ये। अब बताइए, मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आपके पास बंदूक पड़ी है। हाँ, वेरी गुड इवनिंग मुकेश देवी जी। हाँ, फटाफट बताइए मेरे क्वेश्चन का जवाब। चलो, आप आए हैं गुड इवनिंग करने, आपके लिए क्वेश्चन है जी। हाँ, जल्दी बताइएगा, आपके पास बंदूक है, ठीक है, बंदूक कहाँ है वो भी देख लेते हैं। हाँ, बंदूक सभी को मैं दिखा देता हूँ। चलिए, आई होप नहीं मिल रहा है, फिर भी बंदूक अभी आपको दिखा दूंगा। हाँ, बंदूक जैसे मैंने बताया था, ये बंदूक है, बंदूक का अगर ट्रिगर, अगर बंदूक का ट्रिगर टूट गया है, ब्रेक हो गया है, तो क्या वह एक्चुअल में बंदूक है भाई? अगर ट्रिगर टूट गया है तो क्या यह ट्रिगर टूटने की वजह से यह आर्म्स में आएगा क्या? जल्दी बताएं, यस या नो, अगर आएगा तो यस, नहीं आएगा तो नो, दोनों ऑप्शंस दे रहा हूं, जल्दी बताएं। सभी के पास मौका है, चौका मारिए जी। हाँ, जल्दी से बताइए, फिर मैं बात करता हूं आप सभी से। ओके, डन, चलिए। हाँ, क्या क्या आंसर है, यस नो, यस नो, यस नो, कितना यस नो करोगे जी? देखिए, एक बात बता दूं। हाँ, सभी के आंसर देख के मैं बहुत खुश हो रहा हूं। चलिए, आप लोगों ने पार्टिसिपेट तो किया है, वेरी नाइस, बिकॉज गन विल बी गन। अरे वाह वाह अक्षिता जी, वाह, गन विल बी गन, गुड, चिड़िया मारने वाली गन। हाँ, चलिए फटाफट सुनिएगा, अगर कोई भी बंदूक है,
हाँ, अगर कोई भी बंदूक है उसका ट्रिगर ही टूट गया है तो वह एक खिलौना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है जी। क्या उससे कोई मर सकता है? बिल्कुल कोई नहीं मर सकता है। इसलिए ट्रिगर अगर आपका टूटा हुआ है तो वह आर्म्स में नहीं आएगा, वह इस डेफिनेशन में बिल्कुल इंक्लूड नहीं होगा जी आर्म्स के अंदर। तो आपको सभी को बता देता हूं, अगर आपका ट्रिगर टूट गया है तो आप बच जाओगे, ठीक है? हाँ, क्लियर हो गया सभी को? अगर आपके बंदूक का ट्रिगर टूटा हुआ है, हैमर टूटा हुआ है, जिससे बंदूक कोई काम का नहीं, कोई चल भी नहीं सकती है, तो बिल्कुल वह आर्म्स की डेफिनेशन में या फायर आर्म की डेफिनेशन में नहीं आएगा। सभी को क्लियर है? डन है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, हाँ, एक और सेक्शन है आपका डी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ये सेक्शन किसी को समझ में नहीं आता जल्दी से। बिल्कुल, जिला मजिस्ट्रेट के नाम से इसको जाना जाता है। जिला मजिस्ट्रेट कौन होता है, कोई बता सकता है जिला मजिस्ट्रेट? देखिए, सिंपल सी बात है, डीएम साहब है ये। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, ठीक है? हाँ, चलिए आगे बढ़े जी। हाँ, अब देखिए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कौन होता है? कमिश्नर ऑफ पुलिस। याद रखिएगा क्या कह रहा हूं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का जनरल मीनिंग क्या है, जहां पे जिला मजिस्ट्रेट होता है वही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है। बट इस एक्ट के अकॉर्डिंग अगर मैं एक्सेप्शनल बात करता हूं, कहीं कहीं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं है, तब क्या होगा? तब आपका जो कमिश्नर ऑफ पुलिस होगा, सीपी का मतलब क्या हो गया, कमिश्नर ऑफ पुलिस, या डीसीपी जो होता है, हाँ, डीसीपी, ठीक है जी। तो कमिश्नर ऑफ पुलिस या फिर डीसीपी के पास वही राइट होंगे जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास होते हैं जी। आइए, सभी को क्लियर हो गया या नहीं, फटाफट बता दे एक बार। हाँ, जल्दी बताएं, क्लियर हो गया ना? हाँ, क्या कह रहा हूं मैं वापस से बता देता हूं, कमिश्नर ऑफ पुलिस, याद रख लो वर्ड, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है तो अच्छी बात है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट काम करेगा। कहीं कहीं पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अगर नहीं है तो आपका आर्म्स एक्ट 1959 क्या बोलता है कि भैया जो कमिश्नर ऑफ पुलिस और डिस्ट्रिक्ट डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस है, उसके सारे के सारे पावर, सेम पावर आ जाते हैं इसके पास, जो किसके पास होते हैं, जो पावर आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास होते हैं। तो कहने का मतलब, जहां डीएम नहीं है, सीपी और डीसीपी काम चला लेंगे उनके पावर के द्वारा। यही पूरा इसका एकदम कंक्लूजन है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का। अब पढ़िएगा और समझिएगा, राइट, आगे बढ़ते हैं। चलिए, ई का मतलब होता है फायर आर्म। फायर आर्म में क्या आता है, जैसे आर्टिलरी हो गई, यह भी फायर आर्म है। देख रहे हो, कौन लड़ेगा हमसे, है किसी में दम, कोई नहीं लड़ सकता है जी। ऐसे ऐसे बंदूक, कभी हमारे जोधपुर आइएगा, मेहरानगढ़ किला के ऊपर ऐसे ऐसे तोप रखे हैं ना कि आदमी वही बेहोश हो जाता है एक बार। हाँ, तो एक बार पाकिस्तान, चाइना, सबको मेहरानगढ़ किला दिखाने की मेरी बहुत इच्छा है, आइएगा। हाँ बिल्कुल, हमारे यहाँ ऐसे ऐसे तोप है ना जी, एशिया क्या वर्ल्ड के सबसे बड़े तोप हैं। तोप की गोली खत्म हो गई, तोप ही नीचे ढकेल दिया तो ही साले सारे मर जाएंगे, समझ रहे हो ना? तो बिल्कुल ध्यान रख लीजिएगा, हमसे कोई पंगा नहीं लेगा, राइट। तो अब देखिए फायर आर्म क्या होता है। हाँ, एक बार देखिए, जब हमारे फौजी लोग आ जाते हैं ना जी, देखो सभी से निवेदन है, जब आज हमारी क्लास की शुरुआत में मैंने नहीं बोला था, प्रॉपर टैगलाइन नहीं बोला था, उसका यही रीजन था कि जब मेरे फौजी लोग आएंगे तभी सभी लोग एक साथ क्या बोलेंगे, कमेंट बॉक्स में दिखना चाहिए एक बार, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में दिखना चाहिए। हाँ, सभी हमारे फौजी भाइयों के लिए एक बार क्या बोलेंगे, जय हिंद एंड जय भारत, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, फायर आर्म का मतलब क्या होता है, कोई भी आर्टिलरी। आर्टिलरी का मतलब क्या हो गया जी, दिख रहा है ना, इसे आर्टिलरी कहते हैं। कोई भी तोपे होती है ना, तोपे, तोप, जो भी कुछ होती है, यह क्या कहलाती है, फायर आर्म के अंदर आएगा। तो तोप हो गया, बंदूक हो गया, ये सब फायर आर्म में आएगा, डन। आगे चलिए। हाँ, ये देखो ना, एकदम लोटा नहीं है, मार देंगे तो कोई भी मर जाएगा, बिल्कुल ये लोटा नहीं है कोई भी, ये है आपका ग्रेनेड। हैंड ग्रेनेड जो होता है वह भी फायर आर्म होगा। हैंड ग्रेनेड भी आपका किसके अंदर आएगा, फायर आर्म के अंदर आएगा। अब हैंड ग्रेनेड क्या होता है, बिल्कुल ऐसे खोला और सीधा फेंक दिया और वो अगला क्या हो गया, स्वाहा। हाँ, महाराष्ट्र में आइए, दौलताबाद में शिवाजी महाराज का किला है। अरे शिवाजी महाराज की बात ही मत करो यार, वो तो हमारे फेवरेट हैं, बिल्कुल। हाँ, इसीलिए तो मैं हमेशा कहता हूँ, जब महाराष्ट्र का पेपर था, जय हिंद जय भारत एंड ऑलवेज जय महाराष्ट्र, राइट। बिल्कुल, शिवाजी की कहानी से आप पढ़िएगा एक बार, इत्मीनान से उनकी कहानी पढ़िएगा, कसम से कह रहा हूँ आपको मज़ा आ जाएगा। आपके जीवन में आपको 10 चीज़ें नहीं, 10,000 चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो शिवाजी महाराज की तो बात ही निराली है, क्या आप कहूँ अब। चलिए,
ज्योति जाधव जी आएंगे जरूर, बिल्कुल। अब देखिए हैंड ग्रेनेड जो होता है, ये हैंड ग्रेनेड होता है, बस यहां से इसका लॉक खोल दीजिए, उसके बाद काम अगले का हो जाएगा। हाँ, खोलते ही उसको फेंक देना है। हैंड ग्रेनेड मतलब क्या होता है? हथगोला। इसको क्या बोलते हैं? हथगोला। तो इसे खोल के रखना नहीं अपने पास, है ना? अगर रख दिया ना तो आप खुद ही गोले में कन्वर्ट होकर सुहा हो जाओगे। तो इसको फेंकना है, राइट। तो ये भी फायर आर्म है। अच्छा, ये मैं दिखा क्यों रहा हूं? अरे कोई मजाक थोड़ी ना कर रहा हूं। अरे फायर आर्म के अंदर ये चीजें आती हैं, इसीलिए बता रहा हूं, यू हैव टू लर्न इट। तोप हो गया, कोई भी हैंड ग्रेनेड हो गया, ये देखो। हाँ, मन करता है खरीद लूं देख के। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये देखिए, ये इसका ग्रिप है, यहां से पकड़ा जाता है, ये इसका ट्रिगर है, ये इसका ट्रिगर गार्ड बता दिया था मैंने, और फ्रंट वाला इसका मजल है, ये फ्रंट साइड कहलाता है, ये स्लाइड कहलाता है, इजेक्शन पार्ट, राइट गियर, हैमर, ग्रिप। ओके जी, ये सारा आपका क्या है? गन, ठीक है, बुलेट पॉइंट प्रोजेक्ट। यहां से बुलेट छोड़ा जाता है। अब बताइए बैरल कौन सा है? ये जो यहां से मजल से लेके ये पूरी पाइप है, यही पाइप कहलाती है बैरल। ओके जी, तो मजल और बैरल का पॉइंट अभी आएगा, तो आई होप सभी लोग बताएंगे। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं जी। हाँ, ये एक पॉइंट रह गया था, मैगजीन का मतलब क्या होता है? यहीं पे तो भरा जाता है मटेरियल, जो यहां से मटेरियल आगे जाएगा, ये ट्रिगर दबाएंगे और ये गोली गोली गोली, ये गया। ओके, आगे गया। अब आइए, अब बताइए फायर आर्म का मतलब क्या होता है? फायर आर्म की डेफिनेशन पढ़ा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। फायर आर्म मीन्स यहां लिख देता हूं, ये डेफिनेशन यहां से स्टार्ट हो रही है। फायर आर्म मीन्स आर्म्स ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन। हाँ, ये डेफिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, की कैटेगरी में आप सभी को डालना है, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आएगा। तो फायर आर्म मीन्स आर्म्स ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन डिजाइंड और एडेप्टेड टू डिस्चार्ज अ प्रोजेक्टाइल और प्रोजेक्टाइल ऑफ एनी काइंड बाय द एक्शन ऑफ एनी एक्सप्लोजिव और अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड इंक्लूड्स। तो पहले तो यहां तक समझो जो आपको टफ लग रहा है। अब इस टफ को इजी बना दूं क्या? चलिए बनाते हैं। हाँ, पहले देखिए, मैं यूज करना नहीं सिखा रहा हूं, ये बताना पड़ेगा। आर्म्स एक्ट पढ़ रहे हैं, मर्दों का सब्जेक्ट है, तो उसी हिसाब से चलेंगे भाई, टेंशन मत लो। तो एकदम ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ना तो मैं किसी फीमेल को सिखा रहा हूँ ना किसी मेल को। चलिए सभी लोग इसको, मेरा शिक्षा का उद्देश्य है, प्लीज़ इसको आप लोग ऐसा नहीं ले, कोई भी गोली नहीं चलाएगा, अगर चलाता है तो उसकी स्वयं की जिम्मेदारी है, राइट, बिल्कुल। ओके, हाँ, आगे चलिए। हाँ, इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से पढ़िएगा। इट मीन्स आर्म्स ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन। हाँ, ये बात जरूर है कि मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, तो ये चीज़ें मैंने जनरली बहुत देख रखी है, राइट। हाँ, यूज़ कभी नहीं किया है, गलत काम कभी नहीं करना। ओके, हाँ, इट मीन्स आर्म्स ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन, किसी भी डिस्क्रिप्शन का आर्म्स, डिजाइंड और एडेप्टेड टू डिस्चार्ज अ प्रोजेक्टाइल, जिसको किस लिए किया गया है यूज, डिस्चार्ज करने के लिए किसी प्रोजेक्टाइल को या प्रोजेक्टाइल ऑफ एनी काइंड। अरे बंदूक हाथ में लिया, यू दबाएंगे तो क्या डिस्चार्ज नहीं होगा? पहले बंदूक को चार्ज किया जाता है, गोली भरी जाती है, फिर उसको डिस्चार्ज किया जाता है। ऑफ एनी एक्सप्लोजिव, हाँ, जब विस्फोट ही होगा, जब छोड़ेंगे तो अगला मरेगा ही, एक्सप्लोजिव है। और अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, बिल्कुल, इसमें अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी भी कन्वर्ट होती है। क्या बंदूक जब चलाएंगे तो एनर्जी नहीं होगी बाहर? एनर्जी होती ही है, इतनी एनर्जी होती है कि आदमी सो जाता है हमेशा के लिए। एंड इंक्लूड्स, इस फायर आर्म को बोलते हैं अग्नायुद्ध, और इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है वो भी देखिएगा। अब देखिएगा, एक बार हिंदी में ही बोल देता हूं, हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए। अग्नायुद्धों से किसी विस्फोटक या अन्य प्रकारों की ऊर्जा की क्रिया से किसी भी प्रकार के प्रक्षेप या प्रक्षेपियों को चलाने के लिए परिकल्पित या अनुकूलित किसी भी वर्णन के शस्त्र इसके अंदर आते हैं। शस्त्र आते हैं जी, तथा इसके अंदर और क्या चीजें इंक्लूड होती है, तो ये मैंने एकदम वाइड लैंग्वेज आपको पहले पढ़ाया है। ये सारी जो एनर्जी निकालती है, एक्सप्लोजिव चीजें निकालती है, जो प्रोजेक्टाइल के अंदर से बाहर जाता है, ये सारी फायर आर्म है। अब इसकी इजी लैंग्वेज देखिए, इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। पहला आर्टिलरी, बिल्कुल, आर्टिलरी का मतलब समझते हो ना, तोपे, बिल्कुल, ये देखो लिखा हुआ भी है, तोप हो गई, हैंड ग्रेनेड हो गया, अभी सब आपको मैंने दिखाया था, राइट पिस्टल हो गया, बताइए राइट पिस्टल का काम आता है, दंगा भड़क गया था, आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं वगैरह। हाँ, वेपन्स हो गया ऑफ एनी काइंड, किसी भी काइंड का कोई हथियार हो गया जिसको डिजाइन किया गया है, एडेप्ट किया गया है फॉर द डिस्चार्ज ऑफ एनी नॉक्शियस लिक्विड। हाँ, इसका मतलब गोली ही नहीं चलेगी,
आपके पास अगर कोई भी नॉक्शियस गैसेस छोड़ने के लिए भी चीज़ें हैं, हथियार हैं, वह भी आपका जहरीली गैस छोड़ने वाला जो औजार है, जो आइटम है, वह भी इसके अंदर कवर हो जाएगा जी। हाँ, इसके अंदर और क्या चीज़ें आएंगी जल्दी बताइए। हाँ, क्या मैसेज है भाई? अच्छा, सभी पबजी से सीख लिया है। लेकिन पबजी बिल्कुल मत खेलिएगा, आप सभी की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। हाँ, बंदूक बंदूक खेलोगे तो भी चल जाओगे, वो भी नकली से। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? पबजी खेलोगे तो कहीं के नहीं रहोगे, तो कोई भी पबजी को प्रमोट नहीं करेगा जी, सबसे वर्स्ट गेम है। हाँ, धीरज कुमार का, हाँ नमस्ते जी, नमस्ते, आगे चलते हैं। ओके, आगे की बात कर लेते हैं। देखिए, अब दूसरा चीज़ इसके अंदर क्या इंक्लूड होता है, पहला तो मैंने बताया था आपको। हाँ, पहला तो आपको मैंने, माफ़ कीजिएगा, प्लीज़ वेट। ओके, हाँ, अब पहला तो मैंने आपको बता दिया था फायर आर्म में क्या आता है। दूसरी चीज़ देखिए, पहला तो मैंने बता दिया तोपे, हथगोले, राइट पिस्टल या किसी भी द्रव्य जो गैस वैस में हो। दूसरा, कोई भी एसेसरीज भी इसी के अंदर आती है। कोई भी एसेसरी जिसका यूज़ क्या होता है, फॉर एनी सच फायर आर्म डिजाइंड और एडेप्टेड टू डिमिनिश द नॉइज और फ्लैश। हाँ, अब क्या हुआ, बंदूक चला रहा हूँ, किसी को पता ही नहीं चले। हाँ, बिल्कुल आवाज़ ही नहीं करे। हाँ, कोई भी बंदूक चला रहा हूं, उससे ना तो चिंगारी निकले, कोई फ्लैश नहीं निकले, और ना किसी को पता चले, बस मार दूं, मर जाए, भाग जाऊं। तो कोई भी ऐसा एसेसरी जो उस बंदूक की आवाज को दबा रहा है, उसकी फ्लैश को दबा रहा है, वह भी फायर आर्म कहलाएगा। दैट्स इट, है ना। तीसरा पॉइंट, कोई भी इस फायर आर्म को जो बना रहा है, कोई मशीनरी यूज आ रही है, वह भी फायर आर्म में आएगी। चौथा, कोई भी कैरियर्स इसको लाने और ले जाने के लिए, जैसे तोप हो गया, क्या तोप को ऐसे रोड पर ले जाओगे? कभी कभी जब ऐसा सुनाई देता है ना, हमारे राजस्थान में आइएगा, पास में हमारे पड़ोसी देश है ना, उसके लिए हम हमेशा तैयारी रखते हैं। और पहली बात तो ये है, हमारा जोधपुर ही पूरे इंडिया में ऐसा सेंटर है, अगर किसी ने भी पाकिस्तान से फायर किया तो जोधपुर से सबसे पहला जवाब उसको दिया जाएगा, क्योंकि जोधपुर इज़ अ सेंटर प्लेस ऑफ आवर सिक्योरिटी, राइट। इंडिया का सिक्योरिटी जोधपुर के हाथ में है। अब देखिएगा, मैं क्या कहना चाहता हूँ कि इसको कोई भी कैरियर्स करने के लिए, इसको प्लेटफॉर्म्स जो यूज़ होते हैं, कोई भी अप्लायंसेस जो यूज़ होते हैं माउंटिंग करने के लिए, मतलब इन आर्टिलरीज को, इन तोपों को चढ़ाने के लिए, गाड़ी के ऊपर जो आर्टिलरी को गाड़ी के ऊपर चढ़ाने के लिए यूज़ में लिया जाता है, या फिर कोई भी प्लेटफॉर्म है, कोई भी अप्लायंस जो यूज़ कर रहा है, उस तोप को गाड़ी में चढ़ा दे, फिर एक साथ 50-50 तोपें जाती हैं जी। ये सारी अप्लायंसेस भी किसके अंदर आएंगी? ये इसी के अंदर आएंगी। अब ई ए की बात कर लेते हैं। हाँ देखिए, इंपॉर्टेंट सेगमेंट सारा मैंने करा दिया डेफिनेशन फॉर्म में। आई होप सभी को समझ में आया है या नहीं, एक बार बताएं, फिर आगे अपन बढ़ते हैं कुछ अच्छे और टॉपिक्स को लेके, और एकदम चीरफाड़ और अच्छे से करेंगे। हाँ जल्दी बताएं, सभी को क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। विधिक लॉ विथ आयुष्मान सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मैंने आपको रात में मैसेज किया था। ओके, मैं देखूंगा, आई होप मैंने रिप्लाई, मैं हर स्टूडेंट को रिप्लाई करता हूं, बिल्कुल एक घंटा टाइम निकालता हूं, किसी को रिप्लाई करने से पीछे नहीं हटता हूं। आई होप मैंने आपको रिप्लाई किया होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर अप्रिशिएशन। सर आप यूपी से हो, फिर राजस्थान कैसे आना हो, मतलब यहाँ? चलिए बताएंगे जी। चलिए अभी पढ़ाई कर लेते हैं, फिर सारी बातें होंगी। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट, पहला पॉइंट, लाइसेंस का मतलब क्या होता है? लाइसेंस का मतलब लाइसेंस होता है, जो कौन देता है? लाइसेंसिंग अथॉरिटी देती है। लाइसेंस मींस लाइसेंस, बिल्कुल, ये देखो ये भी इसने लिखा है, विच इज इश्यूड, जिसको इश्यू किया जाता है इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। अब दिस एक्ट का मतलब, एज इस प्रोविजन, आर्म्स एक्ट के प्रोविजंस के अनुसार अगर कोई भी लाइसेंस इश्यू किया जाता है, वह लाइसेंस लाइसेंस कहलाता है। एंड द रूल्स मेड देयर अंडर एंड इंक्लूड्स, क्वेश्चन यहां से आएगा, क्या लाइसेंस अगर आपको लाइसेंस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दिया जाता है तो क्या वह लाइसेंस कहलाएगा? अगर लाइसेंस को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कहा जाता है, दिया जाता है, तो क्या लाइसेंस लाइसेंस कहलाएगा? यस या नहीं, इसका बताइए। हाँ, इसके अंतर्गत थोड़ा सा कुछ गड़बड़ है यहां पे, ये इसकी हिंदी नहीं है जी, है ना, ये इसकी हिंदी नहीं है, इसको यहां से हटा दीजिएगा। हाँ, ये आपका दूसरे नेक्स्ट प्रोविजन की हिंदी है, लिख दे रहा हूं,
बाय मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है। हाँ, इंग्लिश में समझ लो, लाइसेंस का मतलब लाइसेंस जो आर्म्स एक्ट 1959 के द्वारा इश्यू किया जाता है। इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर बिल्कुल वो आता है जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी लाइसेंस इश्यू किया जाता है। आगे चलते हैं। हाँ, ई के बाद एफ की बात कर लेते हैं। ई ए की बात हमने करी थी अभी, ई ए, राइट। अब एफ की बात कर लेते हैं, लाइसेंसिंग अथॉरिटी कौन होता है जी? हाँ, लाइसेंसिंग अथॉरिटी वो होता है ऑफिसर और अथॉरिटी टू ग्रांट और रिन्यू अ लाइसेंस। ऐसे ऑफिसर्स या ऐसी अथॉरिटी जो लाइसेंस देती है या लाइसेंस को रिन्यू कराती है वह क्या कहलाता है, लाइसेंसिंग अथॉरिटी। तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी के दो काम बताइए आपको, अभी मैंने पढ़ा है, कमेंट बॉक्स में लिखिए लाइसेंसिंग अथॉरिटी का दो काम क्या है। एसी चल रही फिर भी गर्मी लग रही है जी, पता नहीं ऐसा सब्जेक्ट ही ऐसा है या गर्मी ही ज्यादा है। हाँ ओके, एफ की हिंदी है, बिल्कुल बिल्कुल समझ गया, जल्दी बताएं। ये बिल्कुल, ये जो हिंदी है ना, ये 2F की है, ये जो हिंदी है ये सेक्शन 2F की है जी, लिख देता हूँ, राइट। आई नो आप तो इतने होशियार है, पता चल जाएगा। हाँ वेरी नाइस अक्षिता, वेरी नाइस, वेल डन। तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी का दो काम है, एक तो ग्रांट करना लाइसेंस को और दूसरा काम क्या है इसका जी, रिन्यू करना नए लाइसेंसेस को, रिन्यू करना। तो ये दो काम क्या होते हैं, लाइसेंसिंग अथॉरिटी के होते हैं। और इसके अंदर लाइसेंसिंग अथॉरिटी का मतलब वही ऑफिसर वगैरह ही आते हैं? नहीं जी, आपकी जो गवर्नमेंट होती है इट इंक्लूड्स गवर्नमेंट, सरकार भी इसकी डेफिनेशन के अंदर कवर होती है जी। आगे बढ़े, देखिए 2FF क्या कहता है, 2F हो गया, 2FF ये कहता है मजिस्ट्रेट के बारे में। मजिस्ट्रेट कौन होता है, आर्म्स एक्ट कहता है जो आपका CRPC के अंदर, हाँ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होता है ना, कहाँ होता है, सेक्शन 20 के अंदर, बिल्कुल आपने पढ़ा होगा। तो वही वही धारा 20 वाला याद है ना, वही एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, वही कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो सेक्शन 20 ऑफ CRPC के अंदर है, वही यहाँ पे मजिस्ट्रेट कहलाएगा जी। अब देखिए 2G की बात कर लेते हैं, 2G क्या कह रहा है, हाँ 2G कह रहा है प्रेस्क्राइब। प्रेस्क्राइब का मतलब क्या होता है, प्रेस्क्राइब बाय रूल्स। अब ये तो पता ही है, क्या बताऊं, 2J एक थोड़ा इजी है, इसको भी देख लो। पब्लिक सर्वेंट कौन होता है, आर्म्स एक्ट कहता है भाई जो IPC के अंदर, इंडियन पीनल कोड के अंदर सेक्शन 21 वाला लोक सेवक है, वही यहां पे भी होता है। तो अब आप सभी को याद रखना है कि क्या चीज, कि IPC का सेक्शन 21, क्या कह रहा हूँ, IPC का सेक्शन 21। तो जितने भी एग्जाम हैं, चाहे जुडिशरी का हो या अगर आप APO का एग्जाम दे रहे हैं, APP का दे रहे हैं, तो आपको एक मूल मंत्र देता हूँ, क्वेश्चन कैसे इंपॉर्टेंट बनते हैं सुनिएगा। हाँ बिल्कुल है ना जी, हाँ अब मेरी बात को सुनिएगा, मैं क्या कह रहा हूँ कि आपको कैसे पता लगाना है कौन सा IPC का, कौन सा CRPC क्वेश्चन आएगा, जिनका जिक्र इस आर्म्स एक्ट ने कर दिया वो मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाते हैं आपके APO एग्जाम के लिए। आई होप सभी को समझ में आ गया है क्या, हाँ क्लियर है सभी को, ओके हाँ अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो पब्लिक सर्वेंट कौन होता है, जो 21 के अंदर IPC बताया गया वही पब्लिक सर्वेंट होता है। अब देखिए प्रोहिबिटेड एम्युनिशन का मतलब क्या होता है, प्रोहिबिटेड एम्युनिशन का मतलब होता है प्रतिषिद्ध गोला बारूद। अब देखो एक प्रोहिबिटेड एम्युनिशन है और दूसरा अभी आएगा आपका प्रोहिबिटेड आर्म्स, ये दोनों में कंफ्यूजन बच्चों को होता है, लेकिन प्रोहिबिटेड एम्युनिशन क्या होता है पहले उसको देख लेते हैं। इट मीन्स एनी एम्युनिशन, हाँ ध्यान सुनिएगा, इट मीन्स एनी एम्युनिशन कंटेनिंग और डिजाइंड और एडॉप्टेड टू कंटेन एनी नॉक्सियस लिक्विड, जिसके अंदर कोई नॉक्शियस लिक्विड आता है, कोई भी गैस आता है या अदर सच थिंग्स आती हैं, वो सारी की सारी क्या चीज़ें हैं आपकी प्रोहिबिटेड एम्युनिशन में आएगी। फिर देखिए एंड इंक्लूड्स, इसके इंक्लूड, इसके अंदर और कौन आएगा, कौन सा एम्युनिशन, अब बताइए ऐसी चीज़ें जिनका लाइसेंस आप नहीं ले सकते हो 100%, वो सारे प्रोहिबिटेड में आते हैं। AK-47 का लाइसेंस ले सकते हो क्या, नहीं ले सकते हो, अभी उसके बारे में बात करूंगा कब, जब अगला पढ़ाऊंगा। तो कोई आप हैंड ग्रेनेड आपके घर में रख सकते हो क्या, लाइसेंस दे दो सर हैंड ग्रेनेड रखना है, नहीं रख सकते हो। वो ये मना कर रहा है ना कि ये प्रोहिबिटेड कौन कौन से है, कौन कौन से एम्युनिशन मना है, पहला रॉकेट रखना मना है, बॉम्ब ग्रेनेड शेल्स मिसाइल्स आर्टिकल्स डिजाइंड और फॉर टॉर्पीडो सर्विस, कोई भी आर्टिकल जो डिजाइंड होता है टॉर्पीडो सर्विस के लिए एंड सब मरीन माइनिंग के लिए, सच अदर आर्टिकल्स एज द सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई, या इनके अलावा कोई भी और भी आर्टिकल है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट कहता है भाई ये नहीं रखोगे, तो ये सारी की सारी चीजें आप क्या कर सकते हो, नहीं रख सकते हो, ये प्रोहिबिटेड एम्युनिशन की कैटेगरी में आएगा। ओके
ज्योति जी, मैंने प्लस कोर्स में बिल्कुल मेंस के हिसाब से ही पढ़ाता हूँ। हाँ, अभी यहाँ पे तो जब क्वेश्चंस कर रहे हैं तो बिल्कुल इसको आप इन कंटेंट को एक साथ फ्रेम करके भी आप लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, ये पूरा का पूरा डेफिनेशन ही पूछा जाता है वहाँ पे, तो आप पूरा डेफिनेशन याद करिए ज्योति जी महाराष्ट्र के लिए। अब देखिएगा, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी क्या क्या प्रोहिबिटेड है, आर्म्स और एम्युनिशन। हिंदी में भी देख लीजिएगा, रॉकेट, बम, ग्रेनेड, गोला, अस्त्र, टारपीडो को काम में लाने के लिए, अंतः समुद्री सुरंग बिछाने के लिए, ये सब क्या इनका लाइसेंस लोगे क्या? नहीं मिलेगा भाई, नहीं मिलेगा। हाँ, टारपीडो पूछा था, टारपीडो क्या होता है, समुद्र देखा है ना, हाँ वैसी, उसके अंदर जो हथियार जो लेके जाते हैं ना, एकदम पानी के अंदर से, पानी के ऊपर से, हर तरह के टारपीडो होते हैं। ये टारपीडो इतने खतरनाक होते हैं कि दुश्मन के छक्के छुड़ा देता है जी, बिल्कुल। दुश्मन टारपीडो नाम सुनते ही कांप जाता है और 100 किलोमीटर पहले रुक जाता है, कह देता है गवर्नमेंट को, अरे साहब वो तो इंडिया वाले टारपीडो खड़ा कर रखे हैं, कैसे जाएं, तो वहीं रोक दिया जाता है उनको। तो क्योंकि टारपीडो बहुत दूर तक की चीज़ों को क्या करता है, टारगेट करके मार सकता है। तो ये टारपीडो का काम है जो एकदम नेवी वगैरह वाले सब लोग ये यूज़ करते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं दूसरी चीज़। हाँ, क्या कह रहा हूँ मैं, प्रोहिबिटेड आर्म्स क्या होता है, एम्युनिशन बता दिया, अब आर्म्स की बारी आती है। प्रतिषिद्ध आयुधों से आशय क्या है, पहला फायर आर्म्स, कोई भी ऐसा फायर आर्म जिसको किस लिए डिज़ाइन किया गया है, विच इज़ डिज़ाइंड और एडाप्टेड दैट इफ़ प्रेशर इज़ अप्लाइड टू द ट्रिगर। क्या कह रहा है, अगर देखो सिंपल आप पढ़ लीजिएगा, मैं बता देता हूँ, कोई भी आपके पास ऐसी बंदूक है जिसका ट्रिगर एक बार दबाया और धड़ाधड़ गोलियाँ चल गई, क्या ऐसी बंदूक आपको दे दिया जाए, ऐसा बंदूक दे दिया जाए क्या कि प्रोहिबिटेड सही है? जल्दी बताएं, दे दिया जाए या छोड़ दिया जाए? तो बिल्कुल ऐसे बंदूक आपको नहीं दिए जाएंगे 100%, क्योंकि देखो इसमें रिस्क रहता है। AK-47 को इसी कैटेगरी में रखा गया है। हाँ बिल्कुल, तो आपके कोई भी फायर आर्म जिसका यूज़ क्या होता है, अगर उसके ऊपर एक भी बार प्रेशर किया गया, अप्लाई किया गया टू द ट्रिगर, मिसाइल हो गया, कंटिन्यू टू बी डिस्चार्ज, लगातार वो डिस्चार्ज करेगा, गोली गोली छोड़ेगा, ए भाई ऐसा बंदूक नहीं देना यानी तो गड़बड़ हो जाएगा, अनटिल प्रेशर इज रिमूव्ड फ्रॉम द ट्रिगर, जब तक आपने बंदूक दबाया हुआ है गोली चलती रहेगी, जब तक आप उस ट्रिगर पे से अंगुली नहीं हटाओगे। तो ऐसी बंदूकों को बिल्कुल अलाउड नहीं किया गया, इसका लाइसेंस नहीं मिलेगा, मतलब ये प्रोहिबिटेड आर्म्स में आ जाता है। और द मैगजीन कंटेनिंग द मिसाइल्स इज एम्प्टी, मतलब ऐसा कोई मैगजीन है मिसाइल के अंदर जो जब तक चलता रहेगा जब तक वो खाली नहीं हो जाए, तो वह क्या कहलाएगा, फायर आर्म कहलाएगा। दूसरा कह रहा है, वेपन्स ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन डिजाइंड और एडेप्टेड फॉर डिस्चार्ज ऑफ एनी नॉक्सियस लिक्विड, गैस और अदर सच थिंग्स, जिसके अंदर क्या आते हैं, कोई भी ये सारी चीजें आती हैं, वह वेपन भी प्रोहिबिटेड है। हाँ, इंक्लूड्स आर्टिलरी, अब बताओ आर्टिलरी कभी सुना है कि हमने भैया तोप का लाइसेंस लिया है? हाँ, सुना है कि नहीं सुना है? ऐसा कभी नहीं सुना है। बंदूक का लाइसेंस छोटा बहुत मिल जाता है, AK-47 का लाइसेंस हो गया, तोप का लाइसेंस हो गया, इनका थोड़ी ना मिलेगा है, पूरे देश को थोड़ी ना उड़ाना है, बर्बाद थोड़ी ना करना है, ठीक है, अफगानिस्तान थोड़ी ना है जी, इंडिया है। एंटी एयरक्राफ्ट, एंटी टैंक, ये सभी चीज़ें क्या होती है, बिल्कुल ये अलाउड नहीं है, लाइसेंस नहीं दिया जाता है, क्योंकि ये क्या होते हैं, ये प्रोहिबिटेड के अंदर आते हैं। हाँ, फायर आर्म्स एंड सच अदर आर्म्स, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर दे कि ये भैया इनका भी आज से लाइसेंस नहीं दिया जाएगा, ये भी प्रोहिबिटेड की कैटेगरी में आए, उनको भी प्रोहिबिटेड फायर आर्म में इंक्लूड कर दिया जाता है। अब फटाफट देखिएगा, ट्रांसफर क्या होता है, के में सारी चीज़ें खत्म हो गई है, डेफिनेशन पोर्शन, लास्ट दो डेफिनेशन बची है। ट्रांसफर क्या होता है, हाँ ट्रांसफर का मतलब होता है किसी भी चीज़ को लेट करना, इसका जनरल मीनिंग भी निकाल लो, जो जनरल मीनिंग होता है वही है ट्रांसफर का मीनिंग, बट इसके अंदर आता है लेट करना, हायर करना, किसी को लैंड करना, किसी को देना, एंड पार्टिंग विथ वेपन्स, मतलब किसी को अपना वेपन दूसरे के पास रखना, सारी चीज़ें कहलाती है ट्रांसफर कर दिया है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा जी, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, याद रखोगे, हाँ याद रखोगे, जब पेपर उठाओगे, दिल्ली का प्लस कोर्स के स्टूडेंट से पूछ लीजिएगा, दिल्ली का एग्जाम हुआ है, एक भी क्वेश्चन आउट नहीं आया है, जितना LLP मैंने उन लोगों को पढ़ाया था एक एक क्वेश्चन आया है। हाँ, डंके की चोट पे बोलता हूँ, आप जाके पेपर देखिए, स्टूडेंट से मिलिए, फिर उसके बाद आपको पता चलेगा क्यों। एक बार बता देता हूँ, ऊपर वाले का आशीर्वाद है, जो बताता हूँ ना 99% मेरा जरूर कवर होता है, जिसी की वजह से आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ, राइट। सो बी प्रिपेयर, बी फोकस ऑन योर स्टडी, राइट। चलिए आगे चलते हैं। हाँ,
यहां पे देखिए क्या होता है, द लेंथ ऑफ द बैरल, यहां से क्वेश्चन बनेगा जी, द लेंथ ऑफ द बैरल। मैंने बताया था बैरल क्या होता है, जो बंदूक के आगे पाइप होती है मजल तक जाती है वह बैरल कहलाती है। तो जो लेंथ होता है बैरल का ऑफ अ फायर आर्म शैल बी मेजर्ड फ्रॉम द मजल, उसको कहां से मेजर करेंगे, मजल से, कहां तक, टू द पॉइंट एट विच चार्ज इज एक्सप्लोडेड ऑन द फायरिंग। बिल्कुल, आई होप सभी को क्लियर हुआ या नहीं हुआ। तो ये कह रहा है कि जो बैरल की लंबाई होती है ना, हाँ, लेंथ ऑफ द बैरल पूछा जाता है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ बैरल बताइए, हाँ लेंथ ऑफ बैरल बता सकते हैं आप सभी लोग, कहां से कहां तक नापते हैं, सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि बैरल की लंबाई को कहां से कहां तक नापा जाता है। तो पहला मैं बता रहा हूं, हाँ, ऑफ अ फायर आर्म की बात कर रहा हूं, शैल बी मेजर्ड फ्रॉम, ये मजल से लेके, क्या कह रहा हूं, सभी लोग कमेंट करेंगे, मजल से लेके कहां तक नापा जाता है जी, टू द पॉइंट एट विच चार्ज इज एक्सप्लोडेड, तो जहां पर चार्ज एक्सप्लोड होता है, चार्ज मतलब समझते हो, जहां पे गोली भरी जाती है, ये आपका लंबाई बैरल की लंबाई में काउंट होता है। मजल क्या होता है, मैंने सारी चीजें बताई थी, आई होप क्लियर है सभी को, हाँ सभी को क्लियर है ना, सभी को क्लियर है, या दिखाऊं बंदूक वापस से, चलिए दिखाई देता हूं, नहीं नाराज हो जाओगे। हाँ, किसी ने टारपीडो का भी पूछा था, टारपीडो मैंने बता दिया था, हाँ देखिए ये टारपीडो है आपका, बिल्कुल ये टारपीडो मैंने बताया था, ये इस तरह का टारपीडो होता है जो समुद्र के ऊपर नीचे रहता है, ये स्ट्रक्चर बताया है, बस इसके ऊपर कलरफुल लगा दो जी, ये टारपीडो से गोली चलाई जाती है, बंदूक के अंदर काम आता है। अब आगे की बात कर लेते हैं, कुछ और चीज़ें ध्यान से देखिएगा, हाँ बिल्कुल ध्यान से देखिएगा अच्छे से, हाँ बंदूक की बात बता देता हूँ कौन सा होता है, मजल से लेके, अब देखो अब आपको समझ में आएगा एक्चुअल में मैंने ये चार जी क्यों बताया था। देखिए प्रोहिबिटेड आर्म्स और प्रोहिबिटेड एम्यूनिशन में, बस आगे एम्यूनिशन की कैटेगरी में ये चीज़ें आती हैं और आर्म्स की कैटेगरी में ये चीज़ें आती हैं, बस उन दोनों चीज़ों को एक साथ नहीं बता सकते हैं क्योंकि आर्म्स और एम्यूनिशन अलग अलग होते हैं। तो एम्यूनिशन की कैटेगरी में बता दिया ये प्रोहिबिटेड है और आर्म्स की कैटेगरी में बता दिया ये प्रोहिबिटेड है, बस बाकी क्या डिफरेंस है, डिफ्रेंशिएट इसलिए किया गया है ताकि अलग अलग बताया जा सके, डन। अब देखिएगा ये इसका मजल है जी, वापस से हटा के बताऊं क्या, ये इसका मजल है, यहां से लेके चार्ज इसका एक्सप्लोड कहां होता है कोई बता सकता है, हाँ ये देखो ये बुलेट है यहां कार्ट्रिज है तो ये पूरा चार्ज यहां पे एक्सप्लोड किया जाता है, डन। तो यहां से लेके ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है, बैरल। आई होप आपको दिख भी रहा होगा, आई होप आपको दिख भी रहा होगा, मैं इरेज कर देता हूं, ये जो पूरा ये चीज है ना, ये यहां तक ये देखो गोली भरी जा रही है, ये पूरा का पूरा क्या है, बैरल में आता है, वापस से करके बता रहा हूं, ये देखो ये बैरल की लंबाई पूछ रहा था मैं इसकी, तो ये मजल पॉइंट से लेके पूरा यहां जहां तक चार्ज एक्सप्लोड किया जाता है यह कहलाता है बैरल, राइट, हाँ हाँ ओके डन, आगे चलते हैं, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे कवर करते हैं और लास्ट में इसको खत्म करते हैं, दो चार चीजें रह गई है उनको भी फटाफट कवर कर लेते हैं जी। पेजेस में आ जाते हैं, जहां पे हम चल रहे थे उसको देख लेते हैं, अब आई होप सभी को प्रॉपरली समझ में आ गया होगा, ओके सभी को क्लियर है जी, हाँ अब बात करते हैं आगे की, हाँ फायरिंग पिन टैंक वेरी नाइस ओके, अब बात करते हैं आगे की, मैंने लेंथ पूरा बता दिया यहां तक होता है, ये आपका था डेफिनेशन पोर्शन, आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा क्योंकि मैंने एक एक चीज को अच्छे से क्लियर किया है। अब देखो चैप्टर टू हमारा स्टार्ट हो रहा है जिसे कहते हैं अध्याय टू, बताइए चैप्टर टू कहां से कहां तक जाएगा कोई बता सकता है, तीन से लेके कहां तक जाएगा, बारह तक जाएगा कि नहीं जाएगा, जल्दी बताएं, चैप्टर टू मैंने शुरू में ही बताया था सेक्शन तीन से यह स्टार्ट होता है जो कहां तक जाएगा, ट्वेल्व तक को डील करता है। अब आगे की बात सुनिएगा, अब जो चैप्टर टू है वो ये बताता है आर्म्स एक्ट का कि भैया किसी भी आर्म्स और एम्यूनिशन, दोनों हमने पढ़ लिया, किसी भी आर्म्स और एम्यूनिशन को कैसे एक्विजिशन किया जाए, अर्जन किया जाए उसका कैसे, या फिर ये लिखा हुआ है कैसे उसका कब्जा किया जाए, पोजीशन में कैसे लिया जाए,
मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित क्या है इसका मामला, सेल से संबंधित इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्ट, इनके जितने भी प्रोविजन है वो किस में कवर होते हैं, चैप्टर टू में कवर होते हैं। तो सेक्शन तीन आपका क्या कह रहा है ध्यान से देखिएगा, लाइसेंस फॉर एक्विजिशन एंड पोजेशन ऑफ फायर आर्म्स एंड एम्यूनिशन। देखिए जो भी लाइसेंस होता है किसके रेस्पेक्ट में, एक्विजिशन के रेस्पेक्ट में और पोजेशन के रेस्पेक्ट में, किस चीज का, फायर आर्म का और साथ ही साथ एम्यूनिशन का। अब मैं सभी को बता देता हूं आपके एग्जाम में आर्म्स एक्ट अगर है तो ये सेक्शन तीन का क्वेश्चन हर बार पूछता है, ये पता नहीं लकी सेक्शन है, हर एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाँ, यहां पे अमेंडमेंट भी किया गया है, बहुत सारे टीचर्स बिना अमेंडमेंट के पढ़ा देते हैं, बहुत गलत बात होती है, फिर बच्चा वही लिख के आ जाता है। पूरा अमेंडेड सेक्शंस बताऊंगा क्या क्या चीजें हैं, यहां पे अमेंडमेंट हुआ है तो क्वेश्चन भी यहीं से आएगा जी। आगे बढ़े तो लाइसेंस फॉर एक्विजिशन एंड पोजेशन ऑफ फायर आर्म एंड एम्यूनिशन, अगर फायर आर्म और एम्यूनिशन को एक्वायर करने के लिए लाइसेंस की जरूरत है, पोजेशन में रखने के लिए लाइसेंस की जरूरत है, उसके संबंध में प्रावधान है। क्या कह रहा है, नो पर्सन शैल एक्वायर, कोई भी व्यक्ति एक्वायर नहीं कर सकता है, पोजेशन में नहीं रख सकता है, कोई भी कैरी नहीं कर सकता है फायर आर्म को, एम्यूनिशन भी नहीं रख सकता है, कोई भी नहीं रख सकता है। क्यों नहीं रख सकता है, जब तक अनलेस यू हैव लाइसेंस, जब तक आपके पास लाइसेंस नहीं है आप ये सारे काम ना तो पजेस करोगे ना तो आप एक्वायर कर सकते हो। तो यहां पे ये नेगेटिव वे में बोल रहा है, इसका पॉजिटिव आंसर क्या है, हाँ अगर आपके पास लाइसेंस है, क्या कह रहा हूं, अगर आपके पास लाइसेंस है तभी आप एक्वायर और पजेस कर सकते हैं किसी भी फायर आर्म को, किसी भी एम्यूनिशन को। क्लियर हो गया, देखिए लिखा हुआ है अनलेस ही होल्ड्स इन दिस बिहाफ अ लाइसेंस, जब तक वह इस बिहाफ में एक लाइसेंस नहीं रखता है, इश्यूड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एंड द रूल्स मेड देयर अंडर, राइट। तो यहां तक तो बताया गया है कि भैया लाइसेंस होगा तब काम चलेगा अन्यथा नहीं, डन। इतना सा इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ के समझना है, बेयर एक्ट एनालिसिस करा रहा हूं, ध्यान से पढ़िएगा बेयर एक्ट को कैसे रीड किया जाता है। फिर देखिए, प्रोवाइडेड दैट अ पर्सन मे विदाउट हिमसेल्फ होल्डिंग अ लाइसेंस कैरी एनी फायर आर्म और एम्यूनिशन, जरा देखो ये अपोजिट बोल रहा है इसका, हाँ ये इसका अपोजिट बोल रहा है भाई साहब, इसका अपोजिट बोल रहा है, क्या बोल रहा है, अ पर्सन मे विदाउट हिमसेल्फ होल्डिंग अ लाइसेंस, उसके पास लाइसेंस नहीं है तो भी क्या कर सकता है, कैरी कर सकता है किसी भी फायर आर्म को, एम्यूनिशन को, इन द प्रेजेंस और अंडर द रिटन अथॉरिटी ऑफ द होल्डर ऑफ द लाइसेंस फॉर रिपेयर, फॉर रिन्यूअल ऑफ द लाइसेंस और फॉर द यूज बाय सच होल्डर, डन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब देखिए, मान लीजिए कोई अधिकारी है उसको बॉडीगार्ड मिला हुआ है, तो बॉडीगार्ड के पास लाइसेंस होना जरूरी नहीं है, उसके जो ऑफिसर है उसके पास लाइसेंस होना जरूरी है। अगर उसके पास लाइसेंस है तो अपने बॉडीगार्ड को इसको रिपेयर करने के लिए, रिन्यूअल के लिए एंड अदर चीज़ों के लिए दे सकता है, बिल्कुल। तो यहाँ पे ये एक्सेप्शन है किसका, इसका एक्सेप्शन बताया गया है, ये एक्सेप्शन लिख सकते हैं, ये जो प्रोविजो है वह किसका एक्सेप्शन है, ऊपर वाले क्लॉज का, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए सेकेंड क्लॉज क्या कह रहा है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहीं से प्रश्न बनेगा जी, हाँ, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग, इसको ब्रैकेट में रखिए, इसको कभी मत पढ़िए, बस समझने के लिए पढ़िए। नो पर्सन अदर देन अ पर्सन रेफर्ड इन सबसेक्शन 3 शैल एक्वायर हैव इन हिज पोजीशन और कैरी एट एनी टाइम मोर देन 2 फायर आर्म। क्या बताइए, आपका आर्म्स एक्ट क्या कह रहा है, किसी भी व्यक्ति के पास 2 से ज्यादा फायर आर्म हो सकते हैं क्या, नहीं। पहले अमेंडमेंट के पहले था, जो 1983 के टाइम जो अमेंडमेंट हुआ था वहां पे मैक्सिमम लिमिट क्या थी, 3। पहले कितने, पहले 1983 में जो अमेंडमेंट हुआ था वहां पे बोला गया था एक व्यक्ति अधिक से अधिक मैक्सिमम कितने आर्म्स रख सकता है लाइसेंस लेके, 3 फायर आर्म। बट आज के टाइम में जो अमेंडमेंट हुआ है, न्यू अमेंडमेंट क्या कह रहा है आपका, वो कह रहा है भाई मैक्सिमम जो आप फायर आर्म रख सकते हो वो कितनी लिमिट है, 2। याद रख लेना, यहां से क्वेश्चन जरूर बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। हाँ, तो आज के लिए कितना फायर आर्म है जी, 2 फायर आर्म है, पहले कितना था यह, 3 फायर आर्म था, राइट। तो एक फायर आर्म को कम कर दिया गया। आगे चलिए, अब इसका प्रोविजो क्या कह रहा है, अ पर्सन हु हैज इन हिज पोजीशन मोर फायर आर्म देन 3, जिसके पास ज्यादा फायर आर्म है 3 से भी ज्यादा, कब, एट द कमेंसमेंट ऑफ द आर्म्स अमेंडमेंट एक्ट 1983, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, 1983 में अमेंडमेंट आया, जब अमेंडमेंट आया तो लोगों के पास 3-3 फायर आर्म थे, तो क्या किया जाए, उनको डिपॉजिट करो। अब यही बात ही बोल रहा है कि
ऐसा कोई पर्सन जिसके पास पोजेशन में कोई भी फायर आर्म था, मोर देन थ्री, तीन से ज्यादा फायर आर्म था, उसके रेस्पेक्ट में क्या होगा? कमेंसमेंट ऑफ आर्म्स अमेंडमेंट एक्ट 1983 का, मे रिटेन विद हिम एनी थ्री ऑफ सच फायर आर्म एंड शैल डिपॉजिट विद इन 90 डेज। देखो ये ओल्ड प्रोविजन है, बता रहा हूं आपको ओल्ड प्रोविजन क्या था, उसके अकॉर्डिंग जब अमेंडमेंट हुआ उसने क्या बोला, जिस व्यक्ति के पास, हाँ, जिस व्यक्ति के पास फायर आर्म है पहले से तीन, अब अमेंडमेंट आ गया 1983 का, उसने बोला भाई फायर आर्म दो से ज्यादा नहीं रख सकते हो, तो जिसके पास, जिसने रिटर्न करके रखा हुआ था उसको टाइम दिया गया कि भैया तू डिपॉजिट कर सकता है फायर आर्म। कितने दिन में डिपॉजिट करना है? जिस दिन अमेंडमेंट एक्ट आया उसके बाद शैल डिपॉजिट, वह अपना जो एक्स्ट्रा एक फायर आर्म है ना तीसरा वाला, उसको डिपॉजिट करेगा विद इन 90 डेज। कितने दिन में? 90 डेज। याद रख लो, बोला गया कि 90 दिन का मोहलत दिया जा रहा है, डिपॉजिट कर लो। फ्रॉम सच कमेंसमेंट, जिस दिन यह एक्ट कमेंसमेंट हुआ था, इस एक्ट की बात कर रहा हूं। अब द रिमेनिंग फायर आर्म विद द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन और सब्जेक्ट टू कंडीशंस प्रेस्क्राइब फॉर द पर्पस ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 21 विद अ लाइसेंस डीलर और वेयर सच पर्सन इज अ मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज, हाँ, विद अ यूनिट आर्मरी। अच्छा, अगर कोई आर्म्ड फोर्सेज का मेंबर है, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। देखो, अगर आपके पास फायर आर्म है, फायर आर्म समझते, बंदूक बंदूक है, तो इसको आप डिपॉजिट किसके पास करेंगे? तो जनरल प्रोविजन जो आप पढ़ेंगे वो आएगा ऑफिसर इन चार्ज, OIC। OIC का मतलब क्या होता है? ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, इसको बोलते हैं OIC ऑफ पुलिस स्टेशन, इसके पास आपको जमा करना पड़ेगा। बाद में और भी आपको बताया जाएगा कि आप इसको डिपॉजिट मजिस्ट्रेट के भी पास पावर है, यहां पे बताया जाएगा, आपको आएगा प्रोविजन देखना। हाँ, मजिस्ट्रेट भी आपको ऑर्डर दे सकता है। तो ये दो जने होते हैं इसको डिपॉजिट के रेस्पेक्ट में। आगे इसके प्रावधान रीड विद, जब हम करेंगे अगले सेक्शंस को तो पता करेंगे। तो डिपॉजिट का ऑर्डर ये दो अथॉरिटीज हैं जिनके पास होता है, ठीक है। अब आगे की बात समझिएगा मैं और क्या कहना चाहता हूं। हाँ, अगर आपका यूनियन आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर है, क्या बोल रहा हूं, अगर कोई व्यक्ति आर्म्ड फोर्सेस का मेंबर है तो आर्म्ड फोर्सेस के लिए क्या है जी, आर्म्ड फोर्सेस का मेंबर कहां जमा करेगा? अरे जनरल आदमी है तो वो कहाँ चला जाएगा? पुलिस स्टेशन है, चला जा। बट वो आर्म्ड फोर्सेस का मेंबर है तो उसकी यूनिट आर्मरी होती है, क्या कहते हैं, यूनिट आर्मरी, उसके अंदर वह जमा करेगा, राइट। अब बताइए, कुछ नेवी वाले होते हैं, वो भी आर्म्ड फोर्सेस में आते हैं, अगर नेवी वाले, वो कहाँ जमा करेंगे? उनके लिए वर्ड यूज होगा एस्टेब्लिशमेंट, जो वहां पे बना हुआ है शिप के अंदर, वहीं पे आप जमा करेंगे। क्या कह रहे हैं आप? अपने फैमिली मेंबर्स को ट्रांसफर कर दिया था। हाँ, समझ नहीं पा रहा हूं आप क्या कहना चाहते हैं जी। ओके, आगे बढ़ते हैं, चलिए। हाँ, आई होप ये पूरा का पूरा प्रावधान आपको क्लियर हो गया होगा। तो पहले दो था, पहले तीन था, अब दो हो गया है। देखिए, थोड़ा सा भर के और लाया हूं क्योंकि बेयर एक्ट को पढ़ना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आपके पास जो बुक है उसी को क्लियर कराया जाए। अब देखिएगा, हाँ, प्रोवाइडेड दैट, क्या कह रहा है, अ पर्सन हु हैज इन हिज पोजेशन मोर फायर आर्म देन टू। हाँ, अब कह रहा है किसी भी व्यक्ति के पास जिसके पास दो से ज्यादा फायर आर्म है, एट द कमेंसमेंट ऑफ द आर्म्स अमेंडमेंट एक्ट 2019। तो आर्म्स का अमेंडमेंट एक्ट कब आया था? 2019 में। और 2019 के अमेंडमेंट एक्ट के पहले आपके पास कितने फायर आर्म है? दो से ज्यादा। फिर आप क्या करेंगे, मे रिटेन विद हिम एनी टू ऑफ सच फायर आर्म एंड शैल डिपॉजिट विद इन 1 ईयर फ्रॉम सच कमेंसमेंट। तो 2019 का जो अमेंडमेंट था उसने क्या बोला, इस अमेंडमेंट ने, उसने आपको टाइम बढ़ा दिया। इसको और अच्छे से लिख देता हूं, ध्यान से इसको आप नोट्स बना लीजिएगा। इसने बोला, 2019 के अमेंडमेंट ने क्या बोला, इसने बोला भाई अगर आपके पास मोर देन टू फायर आर्म है, क्या बोल रहा हूं, मोर देन टू फायर आर्म है तो आपको उसको डिपॉजिट कराना पड़ेगा। कितने दिन में आपको डिपॉजिट कराना पड़ेगा? विद इन 1 ईयर, ठीक है, एक साल के अंदर, ठीक है जी। तो एक साल के अंदर इसे आप जमा कराएंगे। याद हो गया, क्लियर हो गया। 2019 वाले ने आपको एक साल का टाइम दिया, तो एक साल का टाइम है तेरे पास, जो एक्स्ट्रा फायर आर्म है भाई एक साल के अंदर जमा कर दे। अब आगे की बात करते हैं, द रिमेनिंग फायर आर्म विद द ऑफिसर इन चार्ज। अब जमा किसको करोगे? ये जो जमा करोगे आप डिपॉजिट, वह भी आप किसको करोगे? प्लीज वेट। हाँ, चलिए, अब आगे मैं पेज ऐड नहीं कर सकता हूं, आई होप 100 पेज से ज्यादा हो जाता है ना तो शायद ऐड नहीं होता है।
मैं इसी पेज में ही समझा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, अगर आपको डिपॉजिट करना है ये फायरआर्म, तो किसको आप डिपॉजिट करेंगे? तो ऑफिसर इंचार्ज। हाँ, कहाँ पे गया इसमें, ये देखो, हाँ, फ्रॉम सच कमिसमेंट द रिमेनिंग फायरआर्म विद द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। अंडरलाइन कर लो और इसको भी कर लो। क्लियर हो गया? तो जो आपका ऑफिसर इंचार्ज है नियरेस्ट पुलिस थाने का, उसके पास आप फायरआर्म जमा कर सकते हो। बिल्कुल हाँ, तो ये डिपॉजिट का प्रावधान बता दिया। और कितने साल में डिपॉजिट कर सकते हो कमेंट में बताइए फटाफट। इन हाउ मेनी ईयर्स यू कैन डिपॉजिट, जल्दी बताएं। विद इन वन ईयर। अब देखिए, विद अ लाइसेंस डीलर, हाँ, या फिर आपका जो लाइसेंस डीलर है उसके पास जमा कर दो। तो कितने प्रावधान आए जमा करने के, या तो आप फायरआर्म जो एक्स्ट्रा वाला है पुलिस थाने में जमा करो नियरेस्ट, या फिर आप किसको जमा कर सकते हो, जो आपका लाइसेंस डीलर था, राइट। वेयर सच मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द यूनियन इन अ यूनिट आर्मरी, तो यूनिट आर्मरी में जमा कर दो विद इन 90 डेज। यूनिट आर्मरी के लिए 90 डेज है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। सेक्शन 4 की बात कर लेते हैं फटाफट। देखिएगा, लाइसेंस फॉर एक्विजिशन एंड पोजेशन ऑफ आर्म्स ऑफ स्पेसिफाइड डिस्क्रिप्शन इन सर्टेन केसेस। अब ये क्या कह रहा है, अगर आप लाइसेंस ले रहे हैं किसके लिए, एक्विजिशन करने के लिए या फिर पोजेशन करने के लिए किसी भी आर्म्स का, ऑफ स्पेसिफाइड डिस्क्रिप्शन इन सर्टेन केसेस, तब इसका प्रावधान क्या कह रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, इन्वर्टेड कॉमा में इंपॉर्टेंट वर्ड डालता हूं, सेंट्रल गवर्नमेंट इज ओपिनियन दैट हैविंग रिगार्ड टू द सर्कमस्टांसेस प्रिवेलिंग इन एनी एरिया इट इज नेसेसरी और एक्सपीडियंट इन द पब्लिक इंटरेस्ट। एक और वर्ड आप अंडरलाइन करिएगा, पब्लिक इंटरेस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ लग रहा है, दैट द एक्विजिशन पोजिशन कैरिंग ऑफ आर्म्स अदर देन आर्म्ड फायर आर्म्स शुड ऑल्सो बी रेगुलेटेड इट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। डायरेक्ट कर सकता है क्या, दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू द एरिया स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन एंड देयर अपॉन नो पर्सन शैल एक्वायर हैव इन हिज पोजिशन कैरी। देखिए कुल मिला के क्या कह रहा है, एकदम आसान भाषा में आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये कह रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, वो डायरेक्ट कर सकता है कि किस एरिया में रोक लगानी है, किस एरिया में क्या करना है, किस एरिया को रेस्ट्रिक्ट करना है, कहीं डिस्टर्ब एरिया है तो उसमें आप लाइसेंस मत दीजिए। तो सारी लाइसेंस की बात एक्वाजिशन और पजेशन के रेस्पेक्ट में किसी भी आर्म्स का, वो कौन बताता है, सेंट्रल गवर्नमेंट बताता है, दैट्स इट, इतनी सी बात है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या देखता है, पब्लिक सेफ्टी देखता है, पब्लिक इंटरेस्ट को देख के फिर लाइसेंस को एक्वायर करने की बात करता है जी। अब देखिए सेक्शन 5 क्या कह रहा है फटाफट चलिए, लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चर सेल एटसेट्रा ऑफ आर्म्ड एंड एम्यूनिशन। हाँ, किसी भी आर्म और एम्यूनिशन को, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, यहां से क्वेश्चन आएगा, इसको वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में डालना, ये बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा मैं, क्योंकि यहां पे भी अमेंडमेंट हुआ है, जहां अमेंडमेंट होता है वहां से क्वेश्चन जरूर आता है। हाँ शशि जी, वेरी गुड इवनिंग। हाँ आगे चलते हैं, लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चर, अगर आप कोई भी हथियार आर्म्स या एम्यूनिशन मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, तो वहां पे क्या होगा, नो पर्सन शैल यूज मैन्युफैक्चर ऑब्टेन प्रोक्योर सेल ट्रांसफर कन्वर्ट रिपेयर टेस्ट अप्रूव। कहने का मतलब, कोई भी व्यक्ति ना तो मैन्युफैक्चर कर सकता है, ना तो सेल कर सकता है, ना तो ट्रांसफर कर सकता है, ना तो प्रूव कर सकता है, कोई भी काम नहीं कर सकता है। किसके रेस्पेक्ट में, आर्म्स और एम्यूनिशन के रेस्पेक्ट में। कब तक नहीं कर सकता है जी, जब तक उसके पास क्या नहीं हो, जल्दी कमेंट में बताओ। हाँ, मैं मैन्युफैक्चर क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास क्या नहीं है, लाइसेंस नहीं है। तो कोई भी चीज को मैन्युफैक्चर करने के लिए, सेल करने के लिए क्या होना चाहिए, आपके पास 100% आर्म्स और एम्यूनिशन का लाइसेंस होना चाहिए। मैं मैन्युफैक्चर करना चाहता हूँ, लाइसेंस लो, मैं सेल करना चाहता हूँ, लाइसेंस लो। तो सबके लिए अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग लाइसेंस प्रोवाइड किए जाते हैं। आगे देखिए ये क्या कह रहा है, अब वापस से इसको पढ़िएगा, नो पर्सन, इस नो को भूल गया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, नो पर्सन शैल, अब इसको पढ़िए, एक्सपोज और ऑफर, ना तो कोई व्यक्ति एक्सपोज करेगा, ना ही किसी को ऑफर देगा, ठीक है। किस चीज का ऑफर नहीं देगा, किसी को सेल करने का, किसी को ट्रांसफर करने के लिए, हैव इन हिज पोजीशन फॉर सेल ट्रांसफर कन्वर्जन रिपेयर टेस्ट, इस सभी चीजों का आप किसी को ऑफर भी नहीं दोगे, क्योंकि आपके पास लाइसेंस नहीं है इसलिए। तो अगर ऐसा करना चाहते हो तो आपके पास क्या होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए। यहां पे देखो लिखा है, अनलेस ही होल्ड्स इन दिस बिहाफ अ लाइसेंस इश्यूड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। हाँ, ये सभी काम कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता है जब तक कि उसे क्या है, लाइसेंस नहीं दिया जाए। अगर आपके पास लाइसेंस है, आप बिल्कुल ये सारे काम कर सकते हैं। डन, आगे देखिएगा, इसके हिंदी पढ़ लीजिएगा, कोई इश्यू नहीं है। आगे देखिएगा, यहां से क्वेश्चन आएगा, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिए,
अ पर्सन में विदाउट हिमसेल्फ होल्डिंग अ लाइसेंस कैरी एनी फायरआर्म और एम्युनिशन इन द प्रेजेंस और अंडर द रिटन अथॉरिटी ऑफ द होल्डर ऑफ द लाइसेंस फॉर रिपेयर और रिन्यूअल ऑफ द लाइसेंस और फॉर यूज बाय सच होल्डर, राइट? कोई बता सकता है इसका मतलब क्या है? फटाफट बताइए, 30 सेकेंड्स का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से बताएं इसका क्या इंटरप्रिटेशन है, कमेंट बॉक्स में बताइए जी। हाँ, जल्दी बताएं। देखो, परंतु कोई व्यक्ति स्वयं अनुज्ञप्ति धारित किए बिना किसी अग्नायुद्ध या गोला बारूद की मरम्मत के लिए या अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण के लिए या ऐसी अनुज्ञप्ति के धारक द्वारा उपयोग में लाए जाने के लिए उस अनुज्ञप्ति के धारक की उपस्थिति में या उसके लिखित प्राधिकार के अधीन लेकर वहन कर सकेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑफिसर है, उसके पास कोई बंदूक है, उसको रिपेयर करवानी है, तो ऑफिसर को जरूरी नहीं है वो खुद जाके उसको करवाए, ठीक है? हमेशा अब मेरी गाड़ी है, मैं क्या खुद ही रिपेयर कराऊंगा? सिंपल सी बात है, मैं अपने घर में किसी को भेज सकता हूं, लेकिन कैसे भेजूंगा? अब जब आर्म्स एक्ट की बात आएगी तो नॉर्मल नहीं भेजना है, एक रिटर्न परमिशन लिखवाइए, साइन करिए, वो रिटर्न परमिशन लेके उस आर्म्स और एम्यूनिशन के साथ किसी अन्य व्यक्ति के साथ भी रिपेयर कराने के लिए आप भेज सकते हैं, बिल्कुल, उसके पास भले ही लाइसेंस नहीं हो। अब बताइए, रिपेयर करवाने ले जाने के लिए भी लाइसेंस चाहिए? नहीं ना। तो बिल्कुल, तो आपको ये क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, बताइए किस सेक्शन में बोला गया है बिना लाइसेंस आप रिपेयरिंग करवा सकते हैं विद द परमिशन ऑफ लाइसेंस होल्डर? तो आपको आंसर क्या देना है, जल्दी बताएं, सेक्शन 5, ठीक है? सेक्शन 5 में यह बात आपको बोली गई है, डन। अब देखिए लास्ट इसका पॉइंट, इंपॉर्टेंट और चीज आई है, थोड़ा सा देखो कंटेंट ज्यादा लेके इसीलिए आया हूं कि एक एक चीज को पढ़ाना बहुत ही जरूरी था आप सभी के लिए, डन, ओके। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सबसेक्शन 1, इसको तो पहले ब्रैकेट में डाला करो, बिल्कुल, ठीक है? नो पर्सन, ठीक है, यहां पे अब इसको अंडरलाइन करिए, क्या कह रहा है, नो पर्सन। अब इसके बाद यहां से पढ़िए, नो पर्सन शैल एक्वायर हैव इन हिज पोजेशन, ना तो एक्वायर कर सकता है, ना ही वो अपने पोजेशन में रख सकता है, ना ही वो कैरी करेगा, एट एनी टाइम मोर देन 2 फायर आर्म। सीधी बात बोल दी कि कोई भी व्यक्ति अपने पास 2 से ज्यादा फायर आर्म कैरी करके नहीं रख सकता है। यहां से प्रश्न आएगा जी, क्लॉज 2 भी याद रखिएगा, इसका क्लॉज 2 भी याद रखिएगा। अब इसका प्रोवाइडेड दैट क्या कह रहा है, अ पर्सन हु हैज इन हिज पोजेशन मोर फायर आर्म देन 3 एट द कमेंसमेंट ऑफ द आर्म्स अमेंडमेंट एक्ट 1983 मे रिटेन विद हिम एनी 3 ऑफ सच फायर आर्म एंड शैल डिपोजिट विद इन 90 डेज फ्रॉम सच। ये तो बता दिया था, रिपीट हो रहा है, आई होप आप रीड कर लेंगे, डन। ये सारी चीजें मैंने आपको बता रखी है, अब आगे बढ़ते हैं इसमें, देखिए। हाँ, आई होप ये सभी आप लोग पढ़ लेंगे, एकदम अच्छे से बताया है। अगर किसी के पास भी 2019 कमेंट में कोई भी फायर आर्म है तो वो जमा करेगा, ये वापस से रिपीट हो रहा है इसलिए इसको पढ़ा नहीं रहा हूँ, ठीक है? नथिंग कंटेंड इन सब सेक्शन 2 शैल अप्लाई टू एनी डीलर इन फायर आर्म और टू एनी मेंबर। अब देखिए ये एक्सेप्शन बता रहा है, ये क्या बता रहा है, एक्सेप्शन। ये एक्सेप्शन किसका है बताइएगा, आप सभी से कमेंट बॉक्स से पूछ रहा हूँ, ये किस एक्सेप्शन किस सेक्शन का है? ये कह रहा है जो भी कंटेंट किया था सब सेक्शन 2 में, नथिंग contained in subsection 2 shall apply to any dealer, यह जो provision हमने पढ़ा था 2 clause वाला, यह किसी भी dealer पे apply नहीं होता है, तो dealer इसका अपवाद बन गया in firearm, या फिर किसी भी member पे यह apply नहीं होता है of a rifle club या फिर rifle association licensed or recognized by the central government, तो कोई भी rifle club है, rifle club है आपका, कोई भी license association है उसके ऊपर यह बिल्कुल भी apply नहीं होता है। तो आप सभी बताइए किसका अपवाद है, जल्दी से बताएं, हाँ किसका अपवाद है जल्दी से बताएं, मतलब जनरल कंडीशन क्या है जी, 2 से ज्यादा फायर आर्म नहीं रख सकते हो, लेकिन अगर वो राइफल क्लब वाला है, एसोसिएशन है, लाइसेंस एसोसिएशन है या डीलर है, अब डीलर तो ज्यादा ही रखेगा बंदूक बेचनी उसको, तो कहने का मतलब क्या हुआ, जो डीलर है, ये एसोसिएशन वाले हैं, राइफल क्लब वाले हैं, ये अपवाद होते हैं, ये 2 से ज्यादा भी लाइसेंस रख सकते हैं। तो बिल्कुल ये सेक्शन 5 का क्या है, अपवाद है, राइट? सभी आई होप समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। हाँ, the provision of subsection 2 to 6 both inclusive of section 21 shall apply in relation to deposit of firearm, bilkul ye deposit of firearm se sambandhit hai, ha bar bar ye 5 aa raha hai, maafi chahunga, repeat ho gaya, I hope, aage chalte hain, ha section 6 mein aa jate hain ji, ha license for shortening of guns, ab sabhi log batayenge ki kya
लाइसेंस जो आपका गन है, गन की अगर बैरल या नाल लंबी है तो बीच में से काट दे चल जाएगा क्या? ऐसे नॉर्मल कट कर सकते हो क्या? नहीं, नॉट अलाउड, क्योंकि आर्म्स का भी एक सीरियल नंबर होता है, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स होता है, तो इसलिए इसको अलाउ नहीं किया गया है। देखिए, लाइसेंस फॉर शॉर्टनिंग ऑफ गन्स और कन्वर्जन ऑफ इमिटेशन फायर आर्म इंटू फायर आर्म, मतलब क्या किसी गन को शॉर्ट किया जा सकता है? क्या किसी जो इमिटेशन फायर आर्म था, जो फायर आर्म देखने में बहुत अच्छा था, उसको देख के क्या कॉपी करके नया बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता है, बिल्कुल इमिटेशन फायर आर्म को कॉपी करके नया फायर आर्म नहीं बनाया जा सकता है। तो ये कह रहा है नो पर्सन शैल शॉर्टन द बैरल ऑफ अ फायर आर्म, बैरल को शॉर्ट नहीं कर सकता है, कन्वर्ट नहीं कर सकता है इमिटेशन फायर आर्म को फायर आर्म में, और कन्वर्ट फ्रॉम एनी कैटेगरी ऑफ फायर आर्म मेंशन इन द आर्म्स रूल्स, राइट? तो बिल्कुल ये बिल्कुल अलाउड नहीं कर रहा है। हाँ, अब ये अलाउड होगा कैसे? अनलेस ही होल्ड्स इन बिहाफ ऑफ लाइसेंस। हाँ, अगर आपके पास लाइसेंस है, क्या बोल रहा हूँ, इसको शॉर्ट करने का लाइसेंस है, हाँ, इस फायर आर्म को इमिटेशन फायर आर्म को कन्वर्ट करने का फायर आर्म में लाइसेंस है, तो लाइसेंस है तो आप कर सकते हो, जिन जनरल कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता है विदाउट लाइसेंस। अब देखें इमिटेशन फायर आर्म का मतलब क्या होता है। इट मीन्स एनीथिंग विच हैज़ द अपीयरेंस ऑफ बीइंग अ फायर आर्म, जो दिखने में, इमिटेशन का मतलब क्या होता है, एज इट इज बंदूक के जैसा दिख रहा है कोई चीज, तो उसे कहते हैं इमिटेशन फायर आर्म। वेदर इट इज कैपेबल ऑफ डिस्चार्जिंग एनी शॉट बुलेट और अदर मिसाइल और नॉट, मतलब चाहे इस फायर आर्म से गोली चले चाहे गोली नहीं चले, बस वो एकदम फायर आर्म की तरह दिखना चाहिए। आप लोग देखते होंगे घरों में कई लोग एग्जैक्ट बंदूक जैसे दिखने वाली चीज़ें लगा के रखते हैं फैशन में, तो वही इमिटेशन फायर आर्म है। उसको देख के अगर कोई एक्चुअल फायर आर्म बनाता है तो ये मना है, बट वो कब बना सकता है, अगर उसके पास लाइसेंस है तो। अब देखिए सेक्शन 7 क्या कह रहा है, देखो तीन सेक्शन बचे हैं, जल्दी चलिए। प्रोहिबिशन ऑफ एक्वाजिशन और पोजिशन और मैन्युफैक्चर और सेल ऑफ प्रोहिबिटेड आर्म्स और प्रोहिबिटेड एम्युनिशन। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये बता रहा है जो मैंने आपको पढ़ाया था प्रोहिबिटेड आर्म्स, या फिर दूसरा मैंने बताया था प्रोहिबिटेड एम्युनिशन, इन दोनों के लिए, इन दोनों के पोजिशन को यहाँ पे बोल रहा है मना है, इनका प्रोहिबिशन किया गया है। आप कोई भी प्रोहिबिटेड आर्म्स और प्रोहिबिटेड एम्युनिशन को ना तो एक्वायर कर सकते हो ना ही पोजिशन में रख सकते हो। नो पर्सन शैल एक्वायर और हैव इन हिज पोजिशन और कैरी यूज मैन्युफैक्चर सेल ट्रांसफर कन्वर्ट रैपिड रिपेयर टेस्ट और प्रूव, कुछ भी चीज़ें आप सभी नहीं कर सकते हैं विदाउट लाइसेंस, ओके? हाँ, बिना लाइसेंस, लाइसेंस लेके भी नहीं कर सकते हो, राइट? इनका लाइसेंस मिलता ही नहीं है। AK-47 का लाइसेंस मिलेगा क्या? कभी नहीं मिलेगा। चलिए, एक्सपोज और ऑफर, इनका आप ना तो एक्सपोज करोगे ना ही ऑफर दोगे किसी चीज को लेके, तो मतलब जो प्रोहिबिटेड है वो हमेशा के लिए प्रोहिबिटेड है, ओके जी? आगे बढ़ते हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, हाँ, इसका एक एक्सेप्शन ये है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफाइड कर दिया कि चलिए अब ये प्रोहिबिटेड कैटेगरी में नहीं आएगा, तो उसको आप खरीद बेच सकते हैं और सारी चीज़ें कर सकते हैं। बट अगर, ध्यान से सुनिएगा, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कह दिया कि बंदूक भी आज से प्रोहिबिटेड आर्म्स है, तो वो भी काउंट हो जाएगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है किस आर्म्स और एम्युनिशन को प्रोहिबिट कर सकता है, किसको नहीं करना है, ओके जी? हाँ, अब इस क्वेश्चन को बाद में सॉल्व करेंगे, टाइम कम है। सेक्शन 8 पे आ जाइए फटाफट। प्रोहिबिशन ऑफ सेल और ट्रांसफर ऑफ फायर आर्म नॉट बियरिंग आइडेंटिफिकेशन मार्क्स। अब देखो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स क्या होता है, उसको सुनिएगा। हाँ, कोई भी आइडेंटिफिकेशन मार्क्स का मतलब होता है हर बंदूक का एक नंबर होता है, ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहा हूँ, हर बंदूक का एक नंबर होता है, एक पहचान होती है, एक डिज़ाइन होती है, जैसे कितने बोर की बंदूक थी, क्या उस पर कौन सी कौन सा मैन्युफैक्चरर है, कौन सा उसका डीलर है, सारी चीज़ें उसके ऊपर जब आप खरीदते हैं तो लिखा हुआ होता है। तो क्या बिना आइडेंटिफिकेशन मार्क्स के आप सेल और ट्रांसफर कर सकते हो, यस या नो, जल्दी बताओ। जल्दी से बताएं। बिल्कुल नहीं, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स होना चाहिए। नो पर्सन शैल ऑब्लिटरेट, हाँ, ऑब्लिटरेट का मतलब क्या होता है ये भी देखिएगा, कोई भी व्यक्ति क्या नहीं करेगा, ना तो उसको मिटाएगा, ऑब्लिटरेट मतलब पूरी तरह से मिटा देना, हटाने को क्या कहते हैं, रिमूव करना, ना तो उसको हटाएगा, ना ही उसको क्या करेगा, ऑल्टर करेगा, ना ही उसको फोर्ज करेगा। एनी नेम नंबर और अदर आइडेंटिफिकेशन मार्क्स स्टाम्प्ड और अदरवाइज शोन ऑन अ फायर आर्म और एम्युनिशन, तो फायर आर्म और एम्युनिशन के किसी भी चीज को ना तो आप मिटाओगे ना तो हटाओगे ना ही कोई भी फोर्जरी करेंगे, ठीक है। नो पर्सन शैल सेल और ट्रांसफर एनी फायर आर्म डज नॉट बियर द नेम ऑफ द मार्कर, हाँ, किसी भी फायर आर्म के ऊपर अगर डीलर का, मेकर का, मैन्युफैक्चरिंग नेम, उसका कोई भी चीज़ें नहीं दी गई है, तो आप उसको सेल भी
नहीं कर सकते हैं, आप उसको ट्रांसफर भी नहीं कर सकते हैं जी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। हाँ, वेन एवर एनी पर्सन हैज इन हिज पोजिशन एनी फायर आर्म विदाउट सच नेम, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनेगा। Whenever any person, जब किसी भी व्यक्ति के पास कोई भी पोजिशन होता है, in his possession any firearm without such name, ना तो उसके ऊपर नाम है, ना ही उसके ऊपर नंबर है, ना ही उसके पास अदर आइडेंटिफिकेशन मार्क है, और on which such name, number और अदर आइडेंटिफिकेशन marks has been obliterated, या उसके ऊपर है तो सही, नाम नंबर सब है, बट उसको obliterated मतलब उसको मिटा दिया गया है, उसको हटा दिया गया है, उसको रिमूव कर दिया, फोर्ज कर दिया, कुछ भी कर दिया गया है, तो उसके रेस्पेक्ट में क्या कह रहा है, इट शैल बी प्रिज्यूम्ड अनलेस द कॉन्ट्रेरी इज प्रूव्ड दैट इट हैज ऑब्लिटेटेड रिमूव्ड ऑल्टर्ड और फोर्स्ड दैट नेम नंबर और अदर आइडेंटिफिकेशन मार्क। मतलब जिसके पास यह हथियार है, जिसके पास फायर आर्म है, यह प्रिज्यूम किया जाएगा कि उसी व्यक्ति ने मिटाया है, राइट right? तो इससे बचने का तरीका क्या है, आगे बढ़ेंगे। तो तरीके भी इसके दिए गए हैं, प्रोवाइडेड दैट, तो भैया आपके कोई भी मार्क्स वार्क्स मिट जाए तो सबसे पहले आपको किसको सूचित करना है देख लीजिएगा। प्रोवाइडेड दैट इन रिलेशन टू अ पर्सन हु हैज इन हिज पोजीशन एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट एनी फायरआर्म विदाउट सच नेम, तो इस एक्ट के स्टार्टिंग में मतलब 1962 को स्टार्ट हुआ था, इसके पहले से कोई फायरआर्म है और उसका कोई भी नाम मिट गया है, नंबर मिट गया है, तो ये कह रहा है क्या, हाँ स्टाम्प्ड था वो भी हट गया है, अदरवाइज शोन देयर ऑन द प्रोविजन ऑफ दिस सबसेक्शन शैल नॉट टेक इफेक्ट अंटिल आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ वन ईयर फ्रॉम सच कमेंसमेंट। बिल्कुल, तो उसको आपके पास एक साल का टाइम रहेगा, फटाफट सही करा लिए, वन ईयर तक आपको वो ये एक्ट उस पर लागू नहीं होगा। तो कहने का मतलब एक साल का टाइम था, जाके उसको आप सही करवा लो, डन। आगे बढ़ते हैं, लास्ट 9 के बाद 10 ही है, फटाफट देखिएगा। प्रोहिबिशन ऑफ एक्विजिशन पोजिशन और बाय और ऑफ सेल और ट्रांसफर ऑफ यंग पर्सन्स, किसी भी यंग पर्सन को आप कोई भी फायर आर्म हो गया, कोई भी एम्यूनिशन हो गया, ना तो आप इसको क्या करोगे, ना तो एक्वायर करवाओगे, ना ही इसको पोजिशन में देंगे आप, क्योंकि तरुण व्यक्ति जो होता है, तरुण मतलब समझते हो ना, जवान आदमी, यंग पर्सन है, 18 साल 20 साल 21 साल कितना होता है, ये भी क्वेश्चन आया था, आगे बताऊंगा यंग पर्सन कौन होता है। तो कोई भी यंग पर्सन है, देखो दिमाग गर्म होता है, उसको बंदूक कैसे दे सकते हो, दे दिया, चला दिया, कोई मर गया, तो ये सारी चीज़ें देखी जाती है, मना कर रहा है किसी भी यंग पर्सन को आप बंदूक वंदूक सब ये चीज़ें नहीं देंगे। नो पर्सन हु हैज़ नॉट कम्प्लीटेड द एज ऑफ, ये देख लीजिए आ गया 21 ईयर, 21 साल का जो व्यक्ति नहीं है, तो यंग एज, यहां से भी प्री में क्वेश्चन आया हुआ है और आगे भी पूछा जाएगा, तो कौन सा व्यक्ति यंग पर्सन में काउंट होगा, जिसकी आयु 21 वर्ष कंप्लीट नहीं है, नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 21 ईयर, और हु हैज बीन सेंटेंस्ड ऑन कन्विक्शन ऑफ एनी ऑफेंस इन्वॉल्विंग वायलेंस और मॉरल टर्पिट्यूड। यहां से भी क्वेश्चन आएगा, पहला जिस व्यक्ति ने 21 साल की आयु कंप्लीट नहीं की हो, दूसरा जिसको सेंटेंस सुनाई हो, जिसको सजा सुनाई गई हो, कितने साल की, हाँ कोई भी कितने भी दिन की, एक घंटे की ही, एक दिन की ही सजा, समझ रहे हो, तो हु हैज बीन सेंटेंस्ड ऑन कन्विक्शन ऑफ एनी ऑफेंस इन्वॉल्विंग वायलेंस और मॉरल टर्पिट्यूड, इसके रेस्पेक्ट में उसको इम्प्रिजनमेंट हुई है फॉर एनी टर्म, किसी भी टाइम के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एट एनी टाइम ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ द सेक्शन, यहां से भी क्वेश्चन आएगा। तो एक बात समझ लीजिए, आज आपको 2022 में कोई सेंटेंस हुआ है, ठीक है, तो आप लाइसेंस कब तक नहीं ले सकते हो, बिल्कुल आप लाइसेंस आने वाले 5 साल तक, आप आने वाले 5 ईयर तक लाइसेंस नहीं रख सकते हो। आई होप सभी को क्लियर हो गया, तो कभी भी याद रख लेना, किसी को भी सजा सुना दी गई है, सेंटेंस ऑफ कन्विक्शन हुआ है, तो कितने साल तक वह लाइसेंस नहीं ले सकता है, प्रोहिबिटेड है वह 5 साल तक, डन। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। हाँ, अब देखिएगा, अब यहाँ पे चैप्टर 8 की बात चल रही है, चैप्टर 8 ऑफ सीआरपीसी, आई होप आप सभी ने पढ़ा होगा, अगर किसी ने को सीआरपीसी का चैप्टर 8, हाँ बिल्कुल, जो लोक शांति होती है, लोक सुरक्षा होता है, पब्लिक सेफ्टी पब्लिक पीस, उसके रेस्पेक्ट में भी अगर किसी से बॉन्ड भराया गया है कि भाई तू बदमाश लग रहा है, तू बॉन्ड भर, विद सिक्योरिटी विदाउट सिक्योरिटी डजेंट मैटर, तो बॉन्ड भर, अगर उस व्यक्ति ने बॉन्ड भरा है तो उस टाइम पीरियड के लिए भी उसे लाइसेंस देने से मना किया गया है। आगे देखिएगा, No person shall sell or transfer any firearm or ammunition or convert, repair, test, prove any firearm or ammunition for any other person whom he knows he has reason to believe, to be prohibited under clause A from acquiring or having in possession or carrying any firearm or ammunition, to be of unsound mind. अब पागल को, आपको लग रहा है कि कोई व्यक्ति पागल जैसा दिख रहा है, तो क्या उसको फायरआर्म दोगे, मना कर रहा है। फिर दूसरा क्या कह रहा है,
जिसकी एज लिमिट की बात कर दिया, एज लिमिट के अंदर भी कोई ऐसा आ रहा है जिसकी एज लिमिट को लेकर लफड़ा है, वो भी प्रोहिबिटेड है। तो ये देखिए, एज लिमिट में यूज अंडर प्रेस्क्राइब कंडीशन सच फायर आर्म एज मे बी प्रेस्क्राइब इन द कोर्स ऑफ इस ट्रेनिंग इन द यूज ऑफ सच फायर आर्म। तो ये सभी लोग हैं, आई होप पढ़ लीजिएगा आप लोग। तो ये डिफरेंट एज लिमिट भी बताई गई है। तो ये सारी चीजें क्या है, प्रोहिबिशन में रखा गया है। एक एक चीज को मैंने आपको अच्छे से समझाया है, आई होप प्रॉपर तरीके से आपने समझ लिया है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, सभी लोग इसका आंसर देंगे। हाँ, ये क्वेश्चन है आप सभी का, Who is young person under section 9 of the Arms Act 1959? Arms Act 1959 के अनुसार young person कौन है? हाँ, A आपका कह रहा है, who has not completed the age of 14 years, not completed 16, 18 या 21 years? जल्दी सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। जल्दी से बताएं, लास्ट प्रोविजन है आपका, फटाफट फिनिश करते हैं। वेरी नाइस, तो डी, हु हैज नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 21 ईयर, इसके अंदर काउंट होगा। फिर आता है सेक्शन 10, आज का लास्ट है, जल्दी देखिएगा। लाइसेंस फॉर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ आर्म्स एक्ट, कोई भी व्यक्ति किसी भी लाइसेंस को ना तो इंपोर्ट करेगा ना तो एक्सपोर्ट करेगा जब तक कि उसके पास क्या नहीं है, जब तक उसके पास लाइसेंस नहीं है। अगर किसी व्यक्ति के पास, देखो अनलेस लिख रहा है, अनलेस ही होल्ड्स अ लाइसेंस, तब तक वो ये चीजें नहीं कर सकता है। राइट, आज के लिए हम सोचते हैं इतना ही रखते हैं। हाँ, पूरा प्रोविजन, पूरी चीजें फिर हम अगली क्लास में जरूर लेके आएंगे। आई होप अगर आपकी, आपको मेरी क्लास बेस्ट लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा सारी चीजें। हाँ, एक चीज और आप सभी को बता देता हूं, क्या इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं, चलिए कुछ चीजें और बता दूं। और एक इसके बाद अनाउंसमेंट भी है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। हाँ, अन अकेडमी के लिए देख लीजिएगा, एक प्रमोशन के रूप में ये क्या बताया गया है, जो प्रमोशन है बहुत ही अच्छा है स्टूडेंट के बेनिफिट के लिए। हाँ, अगर आप आज 30 जो आपका ये डेट है, अभी तक की डेट में अगर कोई भी कोर्स सब्सक्राइब करते हैं तो 20% डिस्काउंट हो जाएगा। बिल्कुल 20% डिस्काउंट हो जाएगा, जहां पे आप कोड यूज कर सकते हैं अनुप20। बिल्कुल आप कोई भी कोर्स सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे जो अभी रनिंग बैचेस हैं, डीजीएस मेंस रनिंग बैच है जो स्टार्ट होगा 4 तारीख से, एपीओ लिंकिंग रेगुलर बैच, ये सारी चीजें हैं। फिर रैपिड लिंकिंग बैच फॉर डीजीएस मेंस के लिए भी है जो स्टार्ट हो रहा है 4 मई से, इसे भी आप कर सकते हैं। बिल्कुल आप क्या यूज कर सकते हैं, अनुप20 कोड यूज कर सकते हैं। बिल्कुल आगे बढ़े। हाँ, अब स्पेशल क्लास के क्या क्या फीचर्स होते हैं, बिल्कुल इंटरेक्टिव क्लास, पोल्स, रेज हैंड, नेवर मिस अ क्लास, लेक्चर नोट्स एनी टाइम एनीवेयर, ये भी आपकी आ सकती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लस क्लास में आपको लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज प्रोवाइड की जाती हैं, जबकि आइकॉनिक में पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, स्टडी प्लानर और एक्सपर्ट की गाइडलाइन भी दी जाती है। सो आगे बढ़ते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करें, प्लस करते हैं तो 6, 12, 18, 24 महीने के कोर्सेज हैं, जहां पे भी आप अनुप20 कोड यूज करके, बिल्कुल पहली बार ऐसा हुआ है, अनुप20 20%। सो अब आइकॉनिक की बात करते हैं, 6, 12, 24 अनुप20 कोड यूज करके यहां पे भी आप 20% डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थैंक यू सो मच फॉर योर एप्रिशिएशन ज्योति जी। हाँ, बक्स बाउंटी क्या है, अब आपके सभी सामने प्रश्न आ रहा है, अगर कोई भी कंटेंट इन अप्रोप्रिएट लगता है तो आप उसकी रिपोर्ट कहां करेंगे, जुडिशरी का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। बिल्कुल उसकी रिपोर्ट आप कर सकते हैं बक्स बाउंटी के माध्यम से। चलिए आज के लिए इतना ही था। हाँ, जाते जाते एक बार सभी लोग, आज सभी लोग एक बार जाते जाते कुछ चीजें बता के जाएंगे। हाँ चलिए, अब सभी लोग एक बार बता दे कि कैसा लगा आप सभी को, डन है? तो टेलीग्राम का चैनल भी बता देता हूं, लिंकिंग लॉज अनूप सर के नाम से टेलीग्राम चैनल है, जहां पे आप ज्वाइन करके अपनी क्वेरीज भी रख सकते हैं और बता भी सकते हैं जी। चलिए आज के लिए इतना ही। हाँ एक बार, ओके जी। हाँ चलिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपके दूसरी क्लासेस भी अब हेल्ड हो चुकी है, सो टाइम इज अप, आई हैव टू फिनिश माई क्लास। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, चलिए ज्यादा टाइम, जय हिंद एंड जय भारत। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।